और बेसिकली दोस्तों मैं बिहार से हूँ और मेरे पिताजी आज से करीब 40 साल पहले आगरा आए थे और तब से यही आगरा में रह रहे हैं। मेरी माताजी हैं श्रीमती लक्ष्मी पंडित और मेरे पिताजी श्री चक्रधारी पंडित, ये मेरे फादर हैं और ये मेरी मदर हैं। मेरे पिताजी दोस्तों इससे पहले मजदूरी किया करते थे, बड़े कारखानों में, ढलाई घरों में लोहा पिघलाया जाता था और वहां सांचों में कास्ट आयरन तैयार किए, सांचों में डाई बनाया करते थे, पैटर्न बनाया करते थे, मजदूरी किया करते थे। बड़ी मुश्किल से 7,000 रुपया महीना कमाया करते थे शुरुआती जिंदगी में। मैं अपने परिवार में दोस्तों अगर बात करूं तो मुझे मिलाकर मुझसे 2 छोटे भाई और हैं, मतलब हम 3 भाई बहन हैं। यहाँ इस तस्वीर में जो आप देख पा रहे हैं, एक हरी रंग की एक टी शर्ट पहन के एक बच्चा आपके सामने खड़ा है, ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। एक बहुत छोटा परिवार था, आगरा शहर में रहते जरूर थे, कहने के बहुत बड़ा शहर था आगरा शहर था, लेकिन मजदूरी करने वाले पिताजी थे। रहने के लिए एक छोटा सा मकान, 3 शेड का एक घर था जिस 3 शेड के मकान में रहा करते थे। लेकिन छोटे छोटा परिवार होने के बावजूद भी, पिताजी मजदूरी करने के बावजूद भी, उनके सपने थे कि उनका बच्चा किसी ना किसी अच्छे स्कूल में पढ़े और अपने मोहल्ले के सबसे बेहतर स्कूल में उन्होंने पढ़ाया भी, कॉन्वेंट स्कूल में शुरुआत से उन्होंने पढ़ाया। अक्सर करके अड़ोस पड़ोस में लोग कहा करते थे कि भाई साहब, मेरे पिताजी को कहा करते थे कि भाई साहब अगर आपके बच्चे हिंदी मीडियम स्कूल में अगर पढ़ लेंगे तो क्या आपका बच्चा काबिल नहीं बनेगा क्या? तो मेरे पिताजी उस समय यही कहा करते थे कि भले हम एक समय का खाना कम खाएंगे लेकिन हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर एजुकेशन देंगे। मतलब अपने पॉकेट से भी ज्यादा जाकर उन्होंने एजुकेशन को दिलाया, प्राइमरी स्कूल ये किया और आगरा के भीतर सीएफ एंड्रयूज स्कूल से, कॉन्वेंट स्कूल से 12th पास आउट किया। उसके बाद दोस्तों इस तरह जिंदगी आगे चलती चली जा रही थी। और जब ये बिजनेस सिप शॉप का बिजनेस जब मैंने पहली बार देखा था, उस समय मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मैं सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हुआ करता था जिस समय मैंने ये पहली बार बिजनेस प्लान देखा था। और जैसा अक्सर करके होता है कि पहली बार जब ये बिजनेस प्लान किसी भी व्यक्ति को मिलता है तो ये प्लान किसी भी व्यक्ति को पहली बार में समझ में कतई नहीं आता। जब ये प्लान मुझे भी पहली बार मिला था और जिस व्यक्ति ने मुझे सामने से बताया था, मेरे बहुत नजदीकी थे, हालांकि विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने बोला था कि यहाँ से आप महीने का 8 लाख कमा सकते हैं, क्योंकि उस समय 8 लाख का प्लान हुआ करता था। तो उन्होंने समझाया था कि अजय जी यहाँ से आप अगर चाहें तो 8 लाख महीना कमा सकते हैं। मैंने उनसे बड़े प्यार से बोला था कि सर आज मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, वो भी सरकारी कॉलेज से। उसके बावजूद मुझे इस बात का विश्वास नहीं है कि जब मेरी इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी तो आप साल में 8 लाख कमाने की बात करते हैं। मुझे इस बात का भरोसा नहीं है कि इंजीनियरिंग के बाद मुझे महीने में भी 8 लाख का पैकेज, साल में भी मुझे 8 लाख का पैकेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। और आप इस कंपनी के भीतर आप बोलते हैं कि कोई व्यक्ति अगर चाहे तो महीने का 8 लाख कमा सकता है, मुझे इंजीनियरिंग करने के बाद साल का 8 लाख का पैकेज का विश्वास नहीं। और आप महीने के 8 लाख के पैकेज की, महीने में 8 लाख कमाने की बात कर रहे हैं। इनिशियली विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अक्सर करके सबके साथ जैसे होता है कि अप्लाई लगातार फॉलोअप करते हैं और उनके फॉलोअप के बाद हम बिजनेस के भीतर आ ही जाते हैं। और मैं भी इस तरह के बिजनेस के भीतर में आ गया था। सच कहूं इस तरह की कंपनी के बारे में या इस तरह का ऐसा कोई नेटवर्किंग इंडस्ट्री कोई होता है, कोई डायरेक्ट सेल ऐसा होता है, ऐसे ऐसे कुछ लोगों को जोड़ने की वजह से किसी आदमी की जिंदगी बन जाती है, मैं सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा प्लान मैंने कभी नहीं सुना था, मैं जानता भी नहीं था कि मार्केट में इस तरह की कोई चीज होती भी है जहां पर सिर्फ लोगों को जोड़ने से कोई आदमी इतना पैसा कमा सकता है। स्कूल में पढ़ता था, कॉलेज में पढ़ता था, मुझे नहीं मालूम था कि जिंदगी को जीने के लिए आदमी को क्या क्या करना पड़ता है और ऐसा भी कोई काम है कि जिसे करने के बाद कोई आदमी इतना पैसा कमा सकता है, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ही सुना था। लेकिन लगातार उनके फॉलोअप करने की वजह से बिजनेस के भीतर में आ गया था, लेकिन विश्वास फिर भी नहीं हो पा रहा था। तो मेरी अपलाइन ही मुझे उस समय एक डायमंड एक व्यक्ति बन रहे थे, कपिल देव उनका नाम है और आज वो बहुत बड़े लेवल पर सिप शॉप बिजनेस के भीतर है। उस समय उनकी ये डायमंड की एक रिकॉग्निशन थी और मुझे उस प्रोग्राम में जाने का मुझे मौका मिला। मैं नहीं जानता था कि डायमंड क्या होता है और डायमंड सेलिब्रेशन क्या कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता था। और पहली बार जब मैं उस फंक्शन के भीतर मैं गया और मैंने जब वहां मैंने श्री कपिल देव जी को वहां पर मैंने डायमंड बनते हुए जब मैंने देखा, तो दोस्तों एक चीज मैं वहां पर देख पा रहा था, जब वो अपनी टेस्टिमनी दे रहे थे, वो उनका जो मान सम्मान हुआ, उनका जो वेलकम हुआ, जो डायमंड्स वहां आ रहे थे, मैं नहीं जानता था कि डायमंड क्या थे, लेकिन जिस तरह का उनका मान सम्मान हुआ और जब उन्होंने स्पीच देना शुरू किया और उन्होंने मुझे उन्होंने बताया स्टेज के माध्यम से कि मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूं और 10 साल नौकरी करने के बाद सेफ शॉप बिजनेस को मैंने करने की मैंने शुरुआत की और आज मैं यहाँ पर डायमंड हूँ। उस समय दोस्तों उस मीटिंग में बैठकर मैं एक बात को मैं सोच रहा था कि अजय आज तो तू इंजीनियरिंग कर रहा है और सामने वाला व्यक्ति जो स्टेज पे खड़ा है ये इंजीनियरिंग करने के बाद 10 साल नौकरी करने के बाद आज इनको सेफ शॉप बिजनेस की जरूरत पड़ी है और आज इन्होंने सेफ शॉप करने की शुरुआत की है, तो तू जरा सोच, तो तूने तो अभी इंजीनियरिंग करना शुरू किया है, यानी 10 साल नौकरी करने के बाद तुझे भी आने वाले कल में सेफ शॉप की जरूरत पड़ सकती है। उस समय दोस्तों मुझे एक बात समझ में आई कि जब मेरे ही जैसा एक व्यक्ति जो वो भी इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से है और मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूं, अगर वो सफल हो सकते हैं तो मैं क्यों सफल नहीं हो सकता।
तो उनको उस डायमंड सेलिब्रेशन को देखने के बाद दोस्तों एक विश्वास बना कि यहां से वाकई जिंदगी बदलती है, क्योंकि एक व्यक्ति को जिंदगी बदलते हुए मैंने देखा था। और उसी समय के बाद मेरे अप्लाई ने मुझे बोला कि एक वर्कशॉप दोस्त अजय जी यहाँ पर होती है, इस वर्कशॉप में आपको जाना है। मैं सच बता रहा हूँ कि उस समय वर्कशॉप की जो करीब 5,000 रुपया उसका कंट्रीब्यूशन था दिशा का, और नागपुर में वो दिशा का ये बैच हो रहा था। मैं नहीं जानता था कि दिशा क्या चीज है। उन्होंने मेरी अप्लाई ने मुझसे बोला कि अजय जी आपको वहां पर जाना है, और सच बताऊं कि उस समय 7,000-5,000-7,000 रुपया मैनेज करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेरे पिताजी के पूरे महीने की तनख्वाह ही 7,000 रुपया हुआ करती थी। मेरे अप्लाई ने मुझे बोला कि अजय जी वहां जाना, नागपुर में दोस्तों वो दिशा हो रहा है, मैं कहां से करूंगा। मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे दिशा जाना है, मुझे एक दिशा जाना है और जहां मुझे इतना पैसा लगेगा। तो उन्होंने बोला ये दिशा क्या चीज होती है। बोला कुछ नहीं, नागपुर में जाना है, घूमना फिरना है और कुछ सीखेंगे। मेरी मम्मी ने बहुत डांटा कि तेरा दिमाग खराब हो गया, पापा यहाँ बड़ी मुश्किल से पैसा कमा के 7,000 महीना लाते हैं, तू कहता है कि पूरे महीने की तनख्वाह उठाकर हम तुझे दे दे, ये घर कैसे चलेगा। सच बता रहा हूँ कि पहली दिशा जो मैंने अटेंड की थी, मैं कई दिनों तक मैंने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि मुझे वो दिशा के पैसे चाहिए थे। भाई मैं कमाता नहीं था, मेरे कमाने वाले घर में मेरे पिताजी मुखिया थे, जाहिर सी बात है पैसे का इंतजाम मैं नहीं कर सकता था। और एक बच्चे की जिद के आगे माँ बाप झुक जाते हैं। जब लगातार कई दिन तक मैंने खाना नहीं खाया, तो मेरे मम्मी ने अपने कान की बालियां गिरवी रखी थी, और गिरवी रखने के बाद वो पैसे का इंतजाम किया था, तब मैं दिशा के भीतर में गया था। मतलब एक जुनून था इस बिजनेस को करना है। डायमंड शिप देखने के बाद दोस्तों एक जुनून आ गया था कि इस बिजनेस को करना है और हर हाल में डायमंड बनना है। और एक बात समझ में आ रही थी कि अगर इस बिजनेस को अगर गहराई से अगर सीख लिया जाए तो इसमें जिंदगी बदल सकती है। दिशा दोस्तों, मैं अपनी मम्मी की बालियों को गिरवी रखकर मैं दिशा की ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए मैं नागपुर गया था। और नागपुर में जाने के बाद दोस्तों यकीन मानिए, जिस तरह की जिंदगी वहां पर दिशा के भीतर मैंने जो जिया था, मतलब जिस तरह का खाना वहां मैंने खाने खाया, मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले इससे इतना बढ़िया खाना नहीं खाया था। भाई होली दिवाली पर हमारे घर में कभी पनीर बनता था, पनीर की सब्जी बनती थी, लेकिन वहां जिस तरह से जिंदगी जो मिली, खूब खाया, खूब मस्ती की, मतलब जीवन जीने का एकदम अलग से एक आनंद आया। और उसके बाद दोस्तों जो सेशन जो शुरू हुआ, आज मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि दिशा के उस वर्कशॉप को मुझे, सबसे पहली दिशा के वर्कशॉप को मुझे अटेंड करने का मौका हमारे ग्रेट 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 महागुरु जी, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग के आज रोल मॉडल, आज श्री संजय जैन सर के माध्यम से मुझे वो दिशा का पहला वर्कशॉप मुझे अटेंड करने का मौका मिला था। मैं उस समय सर को नहीं जानता था, लेकिन जिस तरह का वो वर्कशॉप दोस्तों चला, सच कहूं मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था और उस समय उस सेशन को अटेंड करते करते मैं एक बात मैं सोच रहा था कि आज मैं इतने बड़े कॉलेज में पढ़ता हूं, इतने बड़े 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 प्रोफेसर हैं, लेक्चरर्स हैं, डीन हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, जिस तरह का ज्ञान यहां दिशा के भीतर दिया जाता है, इस तरह का ज्ञान वो हमारे कॉलेज के भीतर क्यों नहीं दिया गया। उस समय मैं सोच रहा था कि काश अगर ऐसा एजुकेशन अगर हमारी कॉलेज लाइफ में, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में अगर मिलता, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रोफेशनल डिग्री लेने के बाद मार्केट में कोई आदमी बेरोजगार घूम सकता था। दिशा का वर्कशॉप दोस्तों वो जो अटेंड में जो मैंने किया, वो 4 दिन के उस वर्कशॉप ने मेरे दिल और दिमाग को बदल कर रख दिया। सच कहते हैं दिशा आपकी जिंदगी को, दशा को बदल कर रख देता है। एक बात तो मैं कह सकता हूं दोस्तों, जिंदगी में अगर बहुत बड़ा विजन अगर आपको लेना है, बहुत दूर तक अगर सोचना है, डायमंड शेप आपको, डायमंड बनने का कारण आपको देगा, मोटिवेट आपको करेगा, और दिशा आने वाले कल में एक बहुत बड़ा विजन देने का दोस्तों एक रास्ता आपके लिए बनेगा। जब कभी भी जिंदगी में अगर मौका अगर आपको मिलता है ना दिशा को अटेंड करने का, तो मैं तो एक ही बात जानता हूं कि अगर आपको दिशा में जाने का मौका अगर मिल रहा है, दिशा अटेंड करने का मौका मिल रहा है, तो समझ लीजिए ऊपर वाले की रहमत है। ऊपर वाला आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा कुछ करना चाह रहा है, जिस खातिर उसने उस वर्कशॉप को अटेंड करने का मौका दोस्तों आपको दिया है। जिंदगी में चाहे आपने कितना भी ज्ञान आपने हासिल किया हो, स्कूल में, कॉलेज में, ट्यूशन में, समाज से, दुनिया से, परिवार से, जिससे भी आपने जो भी कुछ सीखा हो, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जिंदगी का सारा तजुर्बा और सारा ज्ञान तराजू के पलड़े पे एक दिन एक तरफ डाल देना, और जो 4 दिन उस दिशा वर्कशॉप में जो आप सीख कर आते हैं, उस नॉलेज को तराजू के दूसरे पलड़े पर डाल देना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो 4 दिन जो दिशा के भीतर जो सीखते हैं ना जिंदगी के सारे तजुर्बे पे, वो 4 दिन का ज्ञान सबसे ज्यादा भारी पड़ जाएगा। यस, सबसे ज्यादा भारी। ये दिशा का वर्कशॉप दोस्तों आपकी सोच को बहुत बड़ा बना देता है। और सच कहूं उस दिशा के वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद दिमाग में एक बात सेट हो गई थी, एक बात मुझे मालूम समझ में आ गई थी कि चाहे मैं कल को कितना भी बड़ा इंजीनियर बन जाऊं, सिर्फ मैं अपने और अपने परिवार की दुनिया बना सकता हूं। लेकिन वहां एक बात समझ में आई कि अगर एक बार अगर मैं डायमंड अगर बन गया, तो मैं अपने जैसे कईयों को, हजारों की जिंदगियों को मैं बदल के रख सकता हूं।
और उस दिन दिमाग में एक बात अपने दिमाग मैंने सेट कर लिया कि अब तक ये बिजनेस मैं सिर्फ मजाक मजाक में कर रहा था, खेल खेल में कर रहा था, लेकिन उस दिन मैंने दोस्तों सेप शॉप को मैंने अपनी जिंदगी का करियर मैंने बना लिया, सेप शॉप को मैंने जिंदगी का अपना मिशन बना लिया और डायमंड बनना मेरी जिंदगी का एक असूल एक मकसद सा बन गया था कि मुझे बनना ही बनना है। दूसरी बार दोस्तों दिशा अटेंड करने का मौका मिला और दूसरी बार जिनके माध्यम से वो दिशा वर्कशॉप जो मैंने अटेंड की वो कोई और नहीं, हम सभी के दिलों पर राज करने वाले नेटवर्क इंडस्ट्री के किंग आज कह सकते हैं सबसे बड़े अचीवर आज इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के आज हमारे ग्रेट 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 महागुरु जी माननीय श्री नरसिंह अग्रवाल सर के माध्यम से वो दूसरी दिशा का वर्कशॉप करने का मौका मिला। सच कहूं वो दूसरी दिशा जब मैं पहले जब दूसरी दिशा में जब मैं गया था नागपुरी में जाने का मुझे मौका मिला था और आज भी मुझे याद है वो 4 बजे सुबह 4 बजे हमारी ट्रेन नागपुर रेलवे स्टेशन पर रुकी थी और 4 बजे मैंने अपने ग्रेट महागुरु जी श्री नरसिंह अग्रवाल सर को रेलवे स्टेशन पर मैंने खड़ा देखा था और उन्होंने रेलवे स्टेशन पर हम लोगों को एक गुलाब के फूल के साथ हमारा स्वागत किया था। मुझे नहीं मालूम था कि सर कौन थे लेकिन जब उस सेशन को अटेंड करने गया तो मुझे मालूम पड़ा कि उन्हीं के माध्यम सेशन मिल रहा था। मैं सोचता ही रह गया कि इतने बड़े लेवल पर होने के बावजूद भी हमें रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने आ सकते हैं, मतलब सर जो जमीन से जुड़े हुए थे, जो सर दिलों से लोगों को छू लेते थे, मतलब मैं उनका उस दिन सर का मैं कायल हो गया। और यकीनन दोस्तों उस दूसरी दिशा के वर्कशॉप ने मेरे विजन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, डायमंड बनने की भावना को और ज्यादा मजबूत किया। हर ट्रेनिंग, हर फ्राइडे की ट्रेनिंग, हर संडे का सेमिनार दोस्तों लगातार करता चला गया। ऐसा कोई संडे नहीं, ऐसा कोई फ्राइडे नहीं जिसको मैंने अटेंड नहीं किया, ऐसा कोई बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, ऐसा कुछ भी नहीं था जो मैंने लगातार अटेंड नहीं किया। और आज दोस्तों इस सेशन को अटेंड करते करते लगातार सिस्टम की हर चीज को फॉलो कर रहा था, 3.5 साल लगातार मैंने काम किया शुरुआत में बिजनेस के भीतर, 3.5 साल। लेकिन 3.5 साल लगातार काम करने के दरमियान भी इस बिजनेस के भीतर मैं खाली सिल्वर ही बन पाया, मैं आपको बता पा रहा हूं, मैं खाली सिल्वर बन पाया, सिल्वर की रिकॉग्निशन ले पाया, सिल्वर के बाद करने का मौका मिला। 3.5 साल लगातार कोई व्यक्ति अगर बिजनेस को अगर करता है और 3.5 साल में अगर वो आदमी अगर खाली सिल्वर ही बन पाता है तो आप जरा सोचो कि आदमी के दिल और दिमाग पर क्या चल रहा हो। तो समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, क्योंकि यहां मैंने सुना था कि लोग 3-4 साल में यहां मेहनत करने के बाद लोग डायमंड बन जाते हैं और मैं 3.5 साल काम करने के बाद मैं सिर्फ सिल्वर ही बन पाया था। मैं समझ नहीं रहा था कि आखिर वो गलती कहां हुई, आखिर मैं कहां मैं गलत था, क्या कमियां हो रही थी मुझसे, मैं क्या चीज मुझे करना चाहिए था जो मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी गलतियों को कभी खोज नहीं पाता। और लगातार दोस्तों 3.5 साल काम करने के बाद सच कहूं इस बिजनेस के भीतर मैं पूरी तरह से फेल हो चुका था और मैंने तय कर लिया कि हो सकता है कि दूसरे लोग जिन्होंने सेप शॉप बिजनेस को इससे पहले किया था उनकी किस्मत शायद बहुत अच्छी थी, इस वजह से वो डायमंड बन गए। लगता है मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है जिस वजह से मैं डायमंड लगता है बन नहीं सकता। और बिलीव कीजिए 3.5 साल मेहनत करने के बाद, 3.5 साल काम करने के बाद, 3.5 साल सिर्फ सिल्वर बनने के बाद फाइनली इस बिजनेस को मैंने छोड़ देने का फैसला किया और इस बिजनेस को मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद सच को मैं बहुत हताश था, बहुत निराश था, बड़ा परेशान था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि जिंदगी में अब क्या किया जाए, क्योंकि जिस बिजनेस के भरोसे मैं आया था कि यहां से मेरी दुनिया बदल जाएगी, मैं जिंदगी में बहुत आगे निकल जाऊंगा, जैसा मैं सोच के आया था वैसा मेरे साथ हुआ नहीं। क्या कारण था जिसकी वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया, इसके बारे में आपसे आगे मैं चर्चा करूंगा। जब मैं बहुत ज्यादा परेशान था, हताश निराश था, तो मेरे घरवाले भी बड़े डिप्रेशन में, घरवाले बड़े परेशान थे, उनको भी ऐसा लग रहा था कि कहीं यह लड़का ऐसा ना हो कि कहीं गलती है, कहीं डिप्रेशन में आकर कोई गलत डिसीजन ना ले ले। और इस कारण से उन्होंने 4 जुलाई 2011 को दोस्तों मेरी शादी कर दी। और जब शादी हो गई तो दिमाग में एक बात चलने लगा कि भाई आज शादी हो गई है, आज मैं कुछ करता नहीं हूं और कल को परिवार बड़ा होगा और जिंदगी में अगर आज अगर कुछ करने का अगर फैसला अगर नहीं लिया तो फिर जीवन में आगे जीवन आगे चलेगा कैसे, समझ नहीं आ रहा था क्या करें, क्योंकि सिप शॉप के अलावा इससे पहले जिंदगी में कुछ किया ही नहीं था। कॉलेज में पढ़ता था, कॉलेज से निकलकर अगर दुनिया में पहला रुपया भी अगर मैंने पहले कहीं कमाया तो वो सिप शॉप से ही मैंने पहला रुपया मैंने कमाया था। मैं कुछ भी करना नहीं जानता था, सिप शॉप के अलावा मुझे कुछ भी करना नहीं आता था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं और सिप शॉप के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। और उस समय दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात यह हुई कि जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के भीतर ज्वाइन कराया था, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था, वो इस बिजनेस के भीतर डायमंड बन गए। मैं एक बात सोच रहा था कि कमाल की बात है कि मैं 3.5 साल काम करने के बाद में डायमंड क्यों नहीं बन पाया और वो उन 3-4 सालों में वो डायमंड कैसे बन गए। दरअसल दोस्तों बात क्या थी ना, आज समझ में आता है, उस समय ये बातें समझ में नहीं आती थी लेकिन आज समझ में आता है। दरअसल क्या था, मेरे अपलाइन हाईस्कूल पास थे, 10th पास थे और मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, शुरुआत से कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, अंग्रेजी बोलना जानता था, इंजीनियरिंग करता था।
तो दिमाग के ऊपर बहुत सारे डिग्रियों का भूत चढ़ गया था कि भाई मुझ में बहुत ज्यादा नॉलेज है, मुझ में बहुत ज्यादा टैलेंट है। अक्सर करके मेरी अप्लाई, मेरी ग्रेट अप्लाई जब भी मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि अजय जी इस काम करना चाहिए, वो बिजनेसमैन थे, कभी कभी वो ट्रेनिंग में नहीं जा पाते थे क्योंकि पारिवारिक आदमी थे, कारोबारी आदमी थे, तो कभी कभी फुर्सत उनको ट्रेनिंग में जाने की नहीं मिल पाती थी, कभी कभी सेमिनार में नहीं जा पाते थे। और मैं फुर्सत वाला आदमी था, संडे के दिन छुट्टी, स्कूल कॉलेज था नहीं, फ्राइडे के दिन शाम को ट्रेनिंग होती थी, आसानी से मैं ट्रेनिंग में चला जाता था, संडे के सेमिनार में चला जाता था, मैं रेगुलर संडे फ्राइडे जाता था। और सर कई बार नहीं जा पाते थे तो मुझे क्या लगता था, सर तो कभी ट्रेनिंग में जाते हैं कभी नहीं जाते हैं, और मैं तो रेगुलर जाता हूं, मैं तो इससे ज्यादा बिजनेस को जानता हूं। और होता क्या था कि जब भी मेरी ग्रेट अपलाइन मुझे समझाने की कोशिश करते थे कि अजय जी इस काम को ऐसे करना चाहिए, तो सच बता रहा हूं कि मैं अपनी अपलाइन की बात को समझता कम था, उल्टा अपने अपलाइन को समझाता बहुत ज्यादा था। सर आप गलत कह रहे हो, सर ये काम ऐसे नहीं, सर मेरे हिसाब से इस काम को अगर हम ऐसे करेंगे ना तो बहुत बढ़िया होगा। तो ऐसा कई बार हुआ, उन्होंने कई बार मुझे बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश की, और हर बार जब भी उन्होंने मुझे समझाना चाहा, उल्टा मैंने उनको समझाना मैंने शुरू कर दिया। एक बात आप मुझे बताओ, हर बार अगर कोई अप्लाइन अगर आपको अगर समझा रहा है कि ये काम ऐसे करना चाहिए, ये काम ऐसा करना चाहिए, और हर बार अगर हम अपने अप्लाइन की बात को काट के अपनी तरफ से उन्हें हम समझा रहे हैं कि नहीं नहीं ये काम ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो एक समय के बाद अप्लाइन क्या करेगा, तंग आकर आपको छोड़ देगा। क्योंकि मालूम है कि भाई इसे समझना तो है नहीं, समझाना ही है। तो वही दोस्तों मेरे साथ हुआ, लगातार जब भी वो मुझे समझाते थे उल्टा मैं उन्हें समझा देता था। सच कहूं कि उस समय अगर मेरी अपलाइन को अगर सबसे ज्यादा डर अगर किसी से लगता था ना, तो शायद वो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं उनसे समझता बहुत कम था, समझाता बहुत ज्यादा था, दो दो घंटे ढाई ढाई घंटे किसी बात को लेकर समझाता रहता था। नतीजा क्या निकला कि समझाते समझाते एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने मुझे समझाना ही छोड़ दिया, और वो यही कहने लगे जो आज तेरा मन करता है वो तू कर। और जब कोई भी आदमी अपने मन के हिसाब से करना शुरू करता है तो उसके क्या रिजल्ट आ सकते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं। जो रिजल्ट एक आदमी के साथ अपने मन से करने से आ सकते हैं ना, वो रिजल्ट मेरे पास भी आया। 3.5 साल में सिर्फ और सिर्फ मैं सिल्वर ही बन पाया, 3.5 साल में सिर्फ सिल्वर बन पाया। और उन साढ़े तीन चार सालों में मेरी ग्रेट अपलाइन डायमंड बन गए। डायमंड बनने के बाद दोस्तों एक बात तो मुझे समझ में आई, जहां मुझे लगता था कि पता नहीं दूसरों की जिंदगी बदलती होगी, लेकिन मैंने अपने घर के बगल में, मेरे पड़ोस में रहते थे, मेरे घर के एकदम बहुत नजदीकी थे, उनको डायमंड बनते हुए देखने के बाद एक बात दिमाग में समझ में तो आई कि लोग डायमंड तो जरूर बनते हैं। और उस समय दिमाग में दोस्तों एक बात आ रही थी कि अजय अगर तू अपने आप को अगर इतना समझदार अगर समझता है तो तुझे डायमंड पहले बनना चाहिए था, और जिनको तुझे लगता था कि ये इनमें समझदारी नहीं है वो तो इनसे पहले डायमंड बने बैठे, इसका मतलब यहां समझदारी से कुछ भी नहीं होता। दोस्तों उस दिन बात समझ में आई कि यहां समझदारी से कुछ भी नहीं होता। और बिलीव कीजिए मेरी शादी हुई थी, शादी का सिर्फ तीन दिन हुआ था, और सर भी मेरी शादी में इनवाइटेड थे, मेरे परिवार से थे, सर भी मेरे परिवार से थे, वो इनवाइटेड थे मेरी शादी में। मेरी शादी हुई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, लेकिन उनको डायमंड बनते हुए मैंने देखा था, उनके पास में मैं गया और उनसे मैंने बोला कि सर मुझे भी डायमंड बनना है और मैं भी इसमें आगे बढ़ना चाहता हूं। तो उस समय जानते हैं मेरी अप्लाई ने उस समय मुझसे क्या पूछा, उस समय मेरी अप्लाई ने मुझसे पूछा कि अजय मुझे एक बात बता, अब भी समझेगा या समझाएगा। मैंने उस समय दोस्तों अपनी अप्लाई से कहा था कि सर आप जो बोलोगे आपकी हर बात को फॉलो करूंगा, जिस दिन आपकी बात को नहीं मानूंगा उस दिन आप मुझे गोली से उड़ा देना, मेरे घर से कोई एफआईआर करने नहीं आए। दैट्स माय वर्ड, ये मेरे शब्द थे जो मैंने उस समय मैंने अपनी अप्लाई से कहा था। शादी का दोस्तों तीसरा दिन हुआ था, मेरी अप्लाई ने मुझसे बोला कि ठीक है अजय एक काम कर, बिहार के भीतर एक शहर है समस्तीपुर शहर में मेरा एक दोस्त रहता है अविनाश कुमार, जो कि वहां का स्टेशन मास्टर है, आप वहां चले जाओ और उनके साथ में काम करो। शादी को सिर्फ 3 दिन हुए थे और उन्होंने बोला सातवें दिन मैंने अपना टिकट मैंने रिजर्वेशन करवाया और सातवें दिन मैं बिहार के समस्तीपुर स्टेशन के ऊपर उतरा हुआ था। शादी के सिर्फ 7 दिन हुए थे और सातवें दिन मैं अपनी वाइफ को आगरा में छोड़कर, अपनी मम्मी पापा को छोड़कर मैं समस्तीपुर बिहार चला गया। और बिलीव करें दोस्तों कि उस सीजन में पहले फेज में पहली शुरुआत में जब मैंने बिजनेस मैंने की थी तो उस समय दोस्तों एक ही सबसे भयंकर वाली गलती कर रहा था कि अप्लाई से समझने की जगह मैं समझाने की कोशिश करने में लगा पड़ा था। और दूसरी शुरुआत जब मैंने की तो अपलाइन को समझाने की कोशिश मैंने किया ही नहीं, सिर्फ अपलाइन को सिर्फ समझने की कोशिश किया कि आप सर खाली टास्क बताओ मुझे क्या करना है, उसे कैसे पूरा करना है, ये काम मेरा है, आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है। वो कहा करते थे कि अजय जी डायमंड शिप में आपको 10 आदमी लेके आना है, तो उनको लॉजिक नहीं देता था कि 10 आदमी कैसे आएगा। पहली शुरुआत में सर को मैं लॉजिक देता था, जब भी वो पूछते थे कि अजय जी ये डायमंड सेलिब्रेशन हो रहा है आपको अपनी टीम से 10 लोगों को लेके आना है, तो मैं उनको लॉजिक देकर समझाता था कि सर देखो फलाना तो क्या है ना दुकान चलाता है, उसके पास तो फुर्सत नहीं है, वो जाने को मना कर रहा है, और फलाना देखो सर वो सरकारी नौकरी में तो उनको छुट्टी नहीं मिल रही है इसलिए वो जा नहीं सकते, और वो जो है उनके पास तो घर परिवार है, वो अपने छोटे छोटे बच्चे भी पैदा हुए उनके घर में, वो जा नहीं सकते। लोग क्यों दिशा में नहीं जा सकते हैं,
लॉजिक देकर उनको समझाता था और उन्हें कन्विंस करता था। लेकिन दूसरी बार जब मैंने स्लिप शॉप बिजनेस को शुरुआत किया आज से 9.5 साल पहले, दोस्तों स्लिप शॉप बिजनेस को मैंने फिर दोबारा से मैंने ज्वाइन किया एक नई आईडिया के साथ। मैंने फिर दोबारा मैंने ज्वाइन किया, ना मेरे लेफ्ट में कोई था ना मेरे राइट में कोई था। और उस दोबारा शुरुआत में उनको लॉजिक नहीं दिया, उन्होंने बोला कि अजय जी 10 आदमी आपकी दिशा में चाहिए। कारण नहीं बताया कि 10 आदमी क्यों जाएगा, कैसे जाएगा। अब उन्होंने 10 लोगों को भेजने का टास्क दिया, वो कहां से जाएगा ये खोजना मेरा काम था, कहां से खोद के निकालूंगा ये खोजना मेरा काम था। वो सिर्फ टास्क बताते थे, उस टास्क के ऊपर दोस्तों काम करना शुरू किया और लगातार दोस्तों काम करने की वजह से रिजल्ट आने शुरू हो गए। क्योंकि जब अपलाइन की आप सुनना शुरू कर देते हैं ना तो रिजल्ट आपके पास में आना शुरू हो जाता है। जब अपलाइन को समझाने की जगह अप्लाई से समझना शुरू कर देते हैं ना तब आपकी दुनिया बदलनी शुरुआत हो जाती है। मेरे यार यही बात को समझने में किसी आदमी को सालों लग जाता है। आज मैं बड़ा अफसोस करता हूं कि काश वो 3.5 साल मैंने अपलाइन को समझाने की जगह खाली समझा होता तो न जाने आज मेरा लेवल क्या होता। लेकिन आज मैं इतना जरूर आप लोगों को कह सकता हूं कि मेरे यार अपलाइन को समझाने की कोशिश मत करना, अपलाइन से समझने की कोशिश करना। और अपलाइन को समझना शुरू किया तो 2011 में मैंने दोबारा बिजनेस शुरू किया था। अगस्त 2011 में मैंने बिजनेस दोबारा शुरू किया और उसके बाद उस नई आईडी के ऊपर 9 दिसंबर 2012 को मैं पर्ल बना। 27 अप्रैल 2013 में मैंने अपनी लाइफ की सबसे पहली कार, छोटी सी गाड़ी थी, बहुत कम कीमत की थी, 4 लाख रुपए की ईऑन कार थी, वो मैंने खरीदी थी। वो कार बहुत छोटी जरूर थी लेकिन जिस घर का मुखिया सिर्फ 7,000 महीना कमाता हो उस घर में अगर 4 लाख की कार भी अगर आ जाए ना तो कार नहीं, वो हवाई जहाज के बराबर था। मतलब मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बिलीव का लेवल बहुत बढ़ गया था, भरोसा बहुत बढ़ गया था और लगने लगा था कि दुनिया यहां से बदल सकती है। और लगातार दोस्तों आगे बढ़ता चला गया। 5 मई 2013 को मैं इस बिजनेस के भीतर टोपाज बन गया। 7 मार्च 2014 को इस बिजनेस में मैं एमरल्ड बना। 3 अगस्त 2014 को इस बिजनेस के भीतर मैं रूबी कंप्लीट मैंने कर लिया। और वो ड्रीम लेवल जिसे पाने का हर किसी का सपना होता है, 8 फरवरी 2015 को इस बिजनेस के भीतर मैं दोस्तों अपने उस ड्रीम लेवल पर डायमंड लेवल पर चला गया। दोस्तों शुरू के 3.5 साल जब मैंने काम किए थे सिर्फ सिल्वर बन पाया था, कब, जब मैंने अपने अपलाइन की नहीं सुनी थी। और जब दोबारा स्लिप शॉप बिजनेस को जब मैंने शुरू किया तो अगले 3.5 साल में मैं डायमंड बन चुका था। शुरू के 3.5 साल सिर्फ सिल्वर और अगले 3.5 साल में मैं डायमंड बन चुका था। वजह, पहली शुरुआत में मानने को तैयार नहीं था और दूसरी शुरुआत में उनको माने बगैर रह नहीं सकता था। लॉजिक खत्म। और उसके बाद लगातार दोस्तों रिकॉग्निशन लेवल बढ़ता चला गया। हमारे ग्रेट महागुरु जी के माध्यम से वीनस का सम्मान मिला, डायमंड एग्जीक्यूटिव क्लब में आने का मौका मिला, मर्करी दोस्तों इसके बाद रिकॉग्निशन ली। और आज इस बिजनेस के भीतर एक प्रेशर वाली जिंदगी में जहां हार्डवर्क था, जहां तकलीफ थी, जहां जिंदगी में चैलेंज था, परेशानी थी, और आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आज आप लोगों के बीच में क्राउन बनकर दोस्तों आप लोगों से मैं बात कर पा रहा हूं। क्राउन बनकर आज आप लोगों के साथ में हूं, सामने हूं। आज मैं कह नहीं सकता कि जिंदगी कितनी बड़ी हो गई। जीवन एक ऐसा था कि जब मैं आगरा शहर में रहता था तो आगरा के भीतर दोस्तों बगल का एक शहर है मथुरा, 50 किलोमीटर की दूरी पर है। अपनी स्कूल लाइफ में कभी स्लिप शॉप से पहले मैं आगरा से मथुरा तक भी घूमने कभी अपनी लाइफ में कभी नहीं जा पाया। लेकिन स्लिप शॉप बिजनेस ने जिंदगी में इस उम्र में आज ढेर सारे देश आज घुमाए, पूरी दुनिया घूमने का मौका दिया। सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, मकाओ, थाईलैंड, फिनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ब्रेस्लाविया, स्लोवाकिया, स्पेन, तेहरान, रशिया, इटली, जैसे तमाम देश घूमे। 5 अप्रैल 2020 को स्विट्जरलैंड पेरिस जाने का वीजा लगा हुआ था लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाया। लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद ये सारे टारगेट कंप्लीट कर चुका हूं, लंदन, ग्रीस, इटली के कर चुका हूं। दोबारा फिर से दुनिया घूमने की शुरुआत हो जाएगी। जो व्यक्ति 50 किलोमीटर दूर मथुरा नहीं घूम पाया आज वो दुनिया घूम पा रहा है। ये सब कुछ किसकी वजह से? स्लिप शॉप की वजह से दुनिया में हो पाया। ना केवल दूसरे देशों को दोस्तों मैंने अकेले ही घूमा बल्कि अपनी वाइफ के साथ, अपनी पत्नी के साथ दोस्तों अलग अलग ढेर सारी कंट्रियों को मैं घूमा। मैंने जिंदगी में उसको मैंने एंजॉय किया। आज मेरी 2 प्यारी सी बेटियां हैं। आज मैं कह सकता हूं कि अपनी इन बेटियों को मैं वो जिंदगी दे पा रहा हूं जिस जिंदगी के बारे में शायद लोग कल्पना करते हैं, शायद लोग सपना देखते हैं। आज मेरे माँ बाप को नाज है, कि इस बिजनेस के ऊपर आज अपने बेटे के ऊपर नाज है। शुरुआत में यकीन मानिए, जब आप ये बिजनेस करने की शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके सपनों पर भरोसा नहीं करेंगे। आप उन्हें बताएंगे कि हम दुनिया ऐसा कर जाएंगे, वैसा कर जाएंगे, उसके बावजूद भी आपके सपनों पर वो लोग भरोसा नहीं करेंगे। और बड़ी बात, ये सपनों पर भरोसा नहीं करने वाले लोगों में से हो सकता है वो आपके माँ बाप भी होंगे, आपकी पत्नी होंगे, आपके बच्चे होंगे, आपके अपने होंगे जो आपके सपनों पर भरोसा नहीं होंगे। मुझे याद है कि शुरुआत जब मैंने स्लिप शॉप बिजनेस की थी तो मेरे पापा कहा करते थे कि देख बेटा, हर आदमी की जिंदगी में डायमंड बनना नहीं लिखा होता, हर आदमी करोड़पति नहीं बन सकता है। तो उस समय मैं अपने पापा से कहता था कि पापा जी, जब मैं पैदा हुआ था
तो क्या आपने किसी पंडित जी से मेरा जन्म पत्री दिखवाया था क्या? तो वो मुस्कुरा के बोलते थे कि बोला ऐसा क्यों पूछ रहा है। तो मैं कहता था पापा जी जब आपने किसी पंडित जी से मेरी जन्म पत्री दिखवाई नहीं तो आपको कैसे पता चला कि आपका बेटा करोड़पति नहीं बन सकता है। दोस्तों उस समय मैं अपने पापा जी की बात नहीं मानी थी। पापा कहा करते थे कि बेटा देख हर किसी का नसीब नहीं होता, हर किसी के नसीब में नहीं लिखा होता कि वो करोड़पति बन ही जाएगा। तू मजदूर के घर में पैदा हुआ, पढ़ लिख ठीक से कोई नौकरी कर। उस समय दोस्तों सिर्फ अपने पापा की बात नहीं सुनी, मेरी अपलाइन जो हमेशा कहा करते थे कि अजय जी आपकी दुनिया बड़ी हो सकती है, आप जिंदगी बहुत बड़ी बना सकते हो, भरोसा करो आप डायमंड बन सकते हो, और अपलाइन की बात पर विश्वास किया और आज डायमंड बन गया। और आज बिलीव करें, आज मेरे माँ बाप नाज करते हैं, गर्व करते हैं कि अजय पंडित उनका बेटा है। आज जब अपने मोहल्ले में चलते हैं, घर में चलते हैं, तो गर्व करते हैं कि लोग उन्हें उनके बेटे के नाम से जानते हैं। और दोस्तों मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ, आज मेरी पूरी फैमिली आज बड़ा प्राउड फील करती है, अपने परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ। अपने छोटे भाई की शादी भी इस बिजनेस की वजह से मैंने खुद की, और जहाँ मेरी शादी इससे पहले दोस्तों मंदिर में हुई थी, और मेरे छोटे भाई की शादी भी मंदिर में हुई थी। हम तीन भाई हैं, हम दोनों भाइयों की शादी मंदिर में हुई थी। गरीबों के परिवार में जब शादियां होती है ना तो मंदिरों में ही होती है, लेकिन जब अपने छोटे भाई की शादी की, मैं डायमंड बनता था, शानदार भैया शादी की, शादी थी। आज मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। तब की जिंदगी में और अब की जिंदगी में दोस्तों इतना ही कह सकता हूँ, जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आ चुका है जिसके बारे में सोच नहीं सकते। ये दो तस्वीरें आप अभी सामने देख पा रहे हैं, एक वो तस्वीर आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है जब मेरी शादी हुई थी, और शादी के अगले दिन की ये तस्वीर है जब मैं स्टेप शॉप बिजनेस छोड़ चुका था, और ये आज की तस्वीर है। मतलब दुनिया इतनी बदल चुकी है, जिंदगी में इतनी सारी खुशियां स्टेप शॉप ने दी है जिसके बारे में बता नहीं सकता। मतलब जिन चीजों के बारे में लोग सिर्फ सपना देखते हैं ना, उन चीजों को आज इस बिजनेस की वजह से आज मैं हासिल कर चुका हूँ। आज मैं सोचता हूँ कि जब मैं आगरा के भीतर जब मैं रहा करता था, एक हमारा पुराना मकान था, टीन का मकान था, टीन शेड का मकान था शुरुआत में जब हम लोग आगरा में रहा करते थे। और बिलीव करो जब हमारे अपलाइन कभी आया करते थे तो हमको कहा करते थे कि देखना अजय जी करोड़ों का घर होगा, बड़ा महल होगा। तो उस समय अपलाइन थे, सीनियर थे, कुछ कहते नहीं थे, लेकिन मनी मन लगता था कि इनका दिमाग खराब हो गया, टीन शेड के मकान में रहने वालों को सपने दिखा रहे हैं कि महल होगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जिन सपनों के बारे में बात कर रहे थे वो सपने जिंदगी में एक दिन हकीकत में बदल भी जाएंगे। और आज जिंदगी में इतने बड़े सपने पूरे हुए जिसके बारे में सोच नहीं सकता था। ये एक मकान आप देख रहे हैं यहाँ पर सामने बना हुआ, ये इस बिजनेस से मैंने पहली बार ये मकान खरीदा था। ये 2015 में इस घर को मैंने खरीदा था, ये पहला मेरा घर था जो सेफ शॉप की वजह से मैंने खरीदा था। करोड़ों की कीमत का ये मकान है, और मजे की बात ऐसे मकान आज सेफ शॉप बिजनेस ने मुझे एक नहीं बल्कि मेरे यार चार चार मकान का मालिक आज मैं हूँ, और हर मकान की कीमत करोड़ों में, हर मकान की कीमत करोड़ों में। जिस घर में मैं आज मैं रहता हूँ, आज वो मेरे सपनों का घर है। इस मकान में भी मैं रह रहा हूँ, जहाँ बैठकर मैं भी आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, ये उस मकान के भीतर की कुछ तस्वीरें हैं। मैं सोच नहीं सकता था कि जिंदगी मुझे इस मुकाम तक भी ला सकती है, सपनों वाले घर के भीतर आज मैं रह पाता हूँ। तो यकीन मानिए आज जो आपके अपलाइन आपको जिन सपनों के बारे में बात कर रहे हैं, वो सपने सिर्फ सपने नहीं है, भरोसा कीजिए अपने उस अपलाइन पर। वो सपने जो आज आपके अपलाइन आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सपने सच में आपकी जिंदगी में पूरे हो सकते हैं। बिजनेस में आते हैं तो हर व्यक्ति का एक ड्रीम होता है उस कैपिंग इनकम को लेने का, हर व्यक्ति का सपना होता है कि 2 लाख रुपए की इनकम को आज लेने का। आज दोस्तों सेफ शॉप बिजनेस के भीतर 2015 से मैं लगातार कैपिंग पे हूँ, अनएंडिंग कैपिंग पे हूँ, अनब्रेकेबल कैपिंग पे हूँ। हर वीक कंपनी के सबसे हाईएस्ट इनकम 2 लाख रुपए सप्ताह की इनकम को आज मैं लगातार ले रहा हूँ। इनकम के स्टेटमेंट आपके सामने भी है, लास्ट वीक के भी इनकम के स्टेटमेंट आपके सामने है। लगातार अनएंडिंग अनब्रेकेबल 2015 से लगातार पिछले 5-6 सालों से मैं कैपिंग इनकम को सेफ शॉप की वजह से मैं ले पा रहा हूँ। और सेफ शॉप की वजह से पहली बार जब ज्यादा हैप्पीनेस वाले प्लान को जब लॉन्च हुआ तो सेफ शॉप की वजह से 12.5 लाख रुपए सप्ताह तक की इनकम को मैंने सेफ शॉप बिजनेस की वजह से दोस्तों मैंने कमाया। तो ये जिंदगी में ये होता है, बिलीव करें जिंदगी में ये होता है। कईयों को जब शुरुआत में ये बिजनेस मिलता है या उनके अप्लाई जब समझाते हैं, वो सिल्वर भी बन जाते हैं, वो गोल्ड भी बन जाते हैं, लेकिन विश्वास नहीं हो पाता है कि उनकी दुनिया बदल सकती है, भरोसा नहीं कर पाते कि जो अपलाइन उनको इतने बड़े सपने दिखा रहे हैं वो सपने भी कभी हकीकत में बन सकते हैं। मैं इतना ही कह सकता हूं, आपके अपलाइन जो भी सपने आज आपको दिखा रहे हैं उन सपनों पर खाली विश्वास करना, बिलीव करना, जो सपने वो आपके अपलाइन आपको दिखा रहे हैं वो सपने सपने नहीं है, आपकी जिंदगी में एक एक करके सच होने वाली चीजें हैं। एक एक चीज पर खाली विश्वास करना, बिलीव। विश्वास ही करने में लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है,
विश्वास ही करने में लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में दोस्तों, जब मैंने काम करने की शुरुआत की, काम करने के दरमियान जो मैंने ट्रेनिंग के माध्यम से जो मैंने सीखा, मैंने अपने अपलाइनर्स जो मैंने सीखा, सीखने के बाद दोस्तों एक कुछ बातें जो मुझे समझ में आई कि कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना चाहता है तो कामयाबी को पाने के खातिर क्या करना चाहिए, जो मुझे समझ में आया। तो डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के भीतर कामयाबी के लिए तीन तरीके हैं, तीन चीजों को अगर कोई भी व्यक्ति अगर अडॉप्ट कर लेता है और उसे अपने नेटवर्क में अगर ढाल लेता है, तो बिलीव करें ये तीन चीजें जो मैंने सिस्टम से मैंने सीखा था, ये तीन चीजों को मैंने आजमाया है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये तरीके काम करते हैं। सबसे पहला काम, नेटवर्क इंडस्ट्री के भीतर बहुत बड़ी टीम बनाने के लिए, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए जो लोगों को करने की जो जरूरत होती है वो होती है पहला काम नेटवर्क बनाना। पहला काम नेटवर्क बनाना पड़ता है। आज आप अगर ये सोचते हैं कि आप दो हाथों से मेहनत करके आप अपनी दुनिया बना लेंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। दो हाथों से मेहनत करके सिर्फ जरूरत पूरा कर सकता है। आप अपने बच्चों की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, माँ बाप की जरूरतें पूरी कर सकते हैं, सपने नहीं पूरा कर सकते हैं, सिर्फ जरूरतें पूरी की जा सकती है। अगर सपने अगर पूरा करना है तो सबसे पहला काम जो नेटवर्क इंडस्ट्री में जो करने की जरूरत पड़ती है, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री में जो करने की जरूरत पड़ती है, वो पहले नेटवर्क बनाना पड़ता है। अगर आपके पास अगर एक बड़ी अगर टीम है तो उस बड़ी टीम की वजह से आप बड़े सपने को आप पूरा कर सकते हैं। नेटवर्क बनाना ही पड़ेगा क्योंकि आपके पास में काम करने के लिए एक लिमिटेड समय है। कोई भी आदमी दिन भर में 8 घंटे 10 घंटे ही मेहनत कर सकता है और कोई व्यक्ति बड़ा काम, बड़ा आदमी 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करने से नहीं बनता है। जिस व्यक्ति के लिए जितने ज्यादा घंटे काम होंगे वो आदमी उतना ही बड़ा बन सकता है, उतना ही बड़ा आज वो आदमी बनेगा। तो पहला काम जो आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में जो करने की जरूरत पड़ती है वो नेटवर्क बनाना पड़ता है, नेटवर्क बनाना पड़ता है। दूसरा काम जो आपको इस बिजनेस के भीतर जो करने की जरूरत पड़ेगी वो नेटवर्क को टिकाना पड़ता है। कई सारे लोगों के साथ क्या होता है कि वो नेटवर्क बना तो लेते हैं, उनसे कई बार पूछो कि कितने की टीम बन गई तो कहते हैं कि सर 50 की टीम बन गई। बोला 50 की टीम बन गई तो आपकी टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो कहते हैं सर खाली 5 काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, वो 45 लोग कहां चले गए? तो कहने के लिए आपकी टीम 50 की है, आपका नेटवर्क का साइज 50 जरूर हो सकता है, लेकिन आपकी जो नेटवर्थ है ना, नेटवर्थ आपकी वैल्यू, आपकी कीमत, आपका जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ सिर्फ 5 लोगों का है। आप ठोककर बोल जरूर सकते हैं कि सर 50 आदमी की टीम है, लेकिन आपकी टीम में जो पावर है, वैल्यू है, सिर्फ 5 लोगों की, नेटवर्थ आपकी टीम का सिर्फ 5 का है। दोस्तों बिजनेस में नेटवर्क को बनाना और दूसरा सबसे बड़ा जो काम होता है नेटवर्क को टिकाना। अगर आपने टीम अगर बनाई और टीम को अगर आपने टिकाना अगर नहीं सीखा, कैसे वो टीम आपके साथ रुकेगी, कैसे आप उस टीम को आप होल्ड कर पाएंगे? अगर ये कलाकारी अगर आपने अगर नहीं सीखा तो आप बिलीव करें नेटवर्क बनाने के बावजूद भी आपको इस बिजनेस के भीतर कोई भी फायदा आपको नहीं मिल पाएगा। नेटवर्क बनाने के बाद नेटवर्क को टिकाना ये भी बहुत जरूरी वाला काम है कि आप नेटवर्क को रोक पाते हैं कि नहीं रोक पाते हैं। तीसरा जो सबसे जरूरी काम जो नेटवर्क इंडस्ट्री में जो होता है, नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना, नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना। ये नेटवर्क इंडस्ट्री डुप्लीकेशन के ट्रैक पर चलता है, नेटवर्क इंडस्ट्री डुप्लीकेशन के ट्रैक पर चलता है। नेटवर्क इंडस्ट्री में आपका टैलेंट काम नहीं करता, आपकी कितनी बड़ी डिग्रियां हैं, आपका कितने बड़े विभाग में कितने बड़े पद पे हैं, ये भी काम नहीं करता। आपकी नॉलेज क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये भी काम नहीं करता। नेटवर्क के भीतर सिंपल से एक चीज काम करती है कि कितना बेहतर तरीके से नेटवर्क में आपकी टीम चीजों को डुप्लीकेट कर रही है। जो आप कर रहे हैं, जो सिस्टम कह रहा है, उसको नेटवर्क डुप्लीकेट आसानी से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर आपने अपने काम करने के तरीके को बहुत मुश्किल बना रखा है, बड़ा पेचीदा बना रखा है, जिसे आपकी टीम बहुत मुश्किल से डुप्लीकेट कर पा रही है, तो इसका मतलब आपका नेटवर्क बहुत पावरफुल नहीं होगा। चीजों को इतना आसान बनाना पड़ेगा जिसे आपकी टीम बहुत आसानी से डुप्लीकेट कर सके, आसानी से उसे कॉपी कर सके। आप जो कर रहे हैं वो आपकी टीम करना चाहिए। और आप अगर अपनी टीम में ये डुप्लीकेशन के प्रोसेस को अगर आप इजी तरीके से अगर आप फ्लो कराने में कामयाब अगर हो गए तो बिलीव करो नेटवर्क इंडस्ट्री में बहुत बड़े किंग बन सकते हैं। अब बात आती है कि नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। तो नेटवर्क बनाने के लिए दोस्तों 4 तरीके हैं। कोई नई बात आपको नहीं बताऊंगा आज मैं, ऐसी कोई बात नहीं बताऊंगा कि जो आपने किसी भी ट्रेनिंग में आपने नहीं सुना होगा, किसी मीटिंग में नहीं सुना होगा। मैं इतना ही जानता हूं कि नई बातों से दुनिया नहीं बदलती है। जो चीजें आपने इससे पहले सुनी हुई होंगी, बस उन चीजों को मैं खाली आपको याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिन चीजों को करने से सच में बनता है। इन चीजों को मैंने किया, इन चीजों को हम जैसे ढेर सारे लोगों ने किया है जो आज की तारीख में डायमंड हैं। और ये चीजें अगर आप करना शुरू करते हैं तो ये चीजें आपके साथ भी होना शुरू होती है। नेटवर्क बनाने के 4 तरीके हैं। पहला नेटवर्क बनता कैसे है, जो भी व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ता है, जुड़ने के 24 से 48 घंटे के भीतर उसका FIM जरूर कीजिए। FIM का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग।
क्योंकि पहली मुलाकात में अगर आपने शुरुआत में जो व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ रहा है, अगर शुरुआत में मान लो कोई बीज है, बीज अगर उस बीज को अगर आपने बराबर सही तरीके से अगर केयर अगर नहीं किया तो बीज को नष्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। तो जो नया व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ा हुआ है, आपको पता नहीं कि उस बीज के भीतर कितना बड़ा पेड़ छुपा हुआ है, उस बीज के भीतर कितने कितने सारे फल छुपे हुए हैं, कितने सारे फूल छुपे हुए हैं। तो जो नया व्यक्ति आपकी टीम में जुड़ता है ना, उस नए व्यक्ति को केयर करना शुरुआत से बहुत जरूरी है। जैसे ही कोई नया व्यक्ति जुड़ता है 24 घंटे के भीतर, 24 से 48 घंटे के भीतर उस व्यक्ति का फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग, इस बिजनेस के इस बारे में बात करने के लिए उससे मुलाकात जरूर कीजिए। इस बिजनेस में उस व्यक्ति को क्या करना है उसके बारे में समझाइए, क्या नहीं करना है उस व्यक्ति के बारे में उस व्यक्ति को समझाइए। उस व्यक्ति के साथ बैठकर वही उसके घर में उस एफआईएम मीटिंग में ही उसके साथ बैठकर 50 का, 100 का, 125 का, 200 आदमी का लिस्ट बनाइए। ये मत उसे बोलिए कि भाई साहब आप लिस्ट बना लेना जिन लोगों को भी आप इस बिजनेस के बारे में बताना चाहते हैं, भाई आप एक काम करना जिनको भी आप जानते पहचानते हैं उनका उनका एक नाम का एक लिस्ट बनाना, रिश्तेदारों का, यार दोस्तों का, ये आप भी जानते हैं। जब आप लोगों से कहते हैं ना कि लिस्ट बना लेना, कोई भी नहीं बनाता है। लिस्ट बनाने के लिए मत बोलिए, उस एफआईएम मीटिंग में बिजनेस के बारे में समझाइए, बिजनेस के बारे में उस एफआईएम मीटिंग में क्या करना चाहिए, उस व्यक्ति को क्या आगे नहीं करना चाहिए, वो सारी डिटेल बताने के बाद उसी एफआईएम मीटिंग में लिस्ट बनवाइए। चाहे भले उस एफआईएम मीटिंग में 50 आदमी की लिस्ट बने, 50 आदमी की लिस्ट बनाने के बाद तुरंत उस लिस्ट के ऊपर काम करने की शुरुआत करना आपको बहुत जरूरी है। शोधा प्लान, प्लान देने की शुरुआत करिए, लोगों से टाइम लीजिए, इन्विटेशन लीजिए, प्लान दिलवाइए। और ये प्लान देने के बाद आप भी जानते हैं कि एक व्यक्ति को प्लान देने के बाद कोई भी व्यक्ति पहली मुलाकात में जुड़ता नहीं, पहली मुलाकात में कोई भी नहीं जुड़ता। जो अच्छे और काम करने वाले लोग जो होते हैं वो कम से कम 7-8 मुलाकात के बाद ही जुड़ते हैं, 7-8 मुलाकात के बाद ही जुड़ते हैं। तो एक बात तो समझिए, आप कितना अच्छा प्लान देते हैं, आपके प्लान की वजह से कोई भी नहीं जुड़ता, बल्कि प्लान देने के बाद कितनी ज्यादा बार आप लोगों से मुलाकात करते हैं, आपकी उस मुलाकात की वजह से लोग जुड़ते हैं, फॉलोअप की वजह से लोग जुड़ते हैं। अगर आपकी टीम में अगर आप प्लान दे रहे हैं और फॉलोअप अगर समय पर अगर नहीं कर पा रहे तो रिजल्ट आपके पास नहीं आ रहे। आप अगर चाहते हैं कि आपके पास में रिजल्ट आए तो प्लान देने के बाद जो आपकी मुलाकात उस व्यक्ति से होनी चाहिए 48 घंटे के भीतर, दूसरी अगली मुलाकात फिर 48 घंटे के भीतर, फिर उससे अगली मुलाकात 48 घंटे के भीतर, फिर अगली मुलाकात 48 घंटे के भीतर, रिजल्ट जो क्रिएट होता है वो फॉलोअप से होता है, रिजल्ट प्लान से नहीं होता। हो सकता है कि किसी व्यक्ति का प्लान बहुत खराब हो, बहुत ज्यादा अच्छा प्लान ना दिया हो, लेकिन वो फॉलोअप करने में एक्सपर्ट हो, मतलब प्लान देने के बाद 10-12 बार लोगों से मुलाकात करने की ताकत रखता है, वो हिम्मत रखता है। तो जो आदमी बहुत अच्छा प्लान देना जानता है लेकिन एक ही बार प्लान देता है, दोबारा मिलने के लिए नहीं जाता, उसके पास में रिजल्ट गिनती के होंगे, गिनती के। लेकिन जिस आदमी का प्लान बहुत अच्छा नहीं है, एक एवरेज टाइप का प्लान दिखाता है, सो मतलब नॉर्मल एक प्लान दिखा लेता है, लेकिन वो 10-12 बार फॉलोअप करने की ताकत रखता है, बिलीव करें, जिस व्यक्ति का प्लान सही नहीं है ना, ठीक से प्लान जो दे नहीं पाता, लेकिन 10-12 बार लोगों से मुलाकात करना जानता है, करने की ताकत है, उस व्यक्ति के पास में रिजल्ट ज्यादा होगा। यहाँ प्लान देने से रिजल्ट नहीं आता, प्लान देने के बाद आप कितनी बार लोगों से मुलाकात करते हैं, आपके फॉलोअप की वजह से रिजल्ट आता है। नेटवर्क बनाने के लिए दोस्तों ये 4 चीजें हैं। जो नया व्यक्ति जुड़ता है उसका एफआईएम कीजिए, लिस्ट बनाइए, प्लान दिखाइए, फॉलोअप कीजिए, यही टेक्निक है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं नेटवर्क बनाने का। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके अपलाइन कोई जादू चलाएंगे, कोई मंत्र आपको सिखाएंगे और उस मंत्र को आप बोलेंगे और आपकी टीम बनके तैयार हो जाएगी, तो मेरे यार कोई भी मंत्र नहीं है, कोई भी जादू नहीं है। यही तरीका है। इस तरीके को अगर आप आजमाएंगे तो आपकी भी टीम बनेगी, और इस तरीके को अगर आपकी टीम आजमाएगी तो आपकी टीम के साथ भी टीम बननी शुरू होगी। तो सबसे पहला काम क्या करना जरूरी है, टीम बनाइए, और टीम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेली प्लान दिखाइए, टारगेट बना के चलिए। अगर आप पार्ट टाइम में बिजनेस कर रहे हैं, अपनी नौकरी को करते हुए, अपनी दुकान को चलाते हुए, तो गोल बना के चलिए कि डेली अपनी नौकरी को करते हुए, डेली अपने दुकान को चलाते हुए दो प्लान तो मैं रोज करूंगा। और अगर आप फुल टाइमर हैं, कई सारे लोग बोलते हैं कि सर हम फुल टाइमर हैं, और उनसे पूछो कि दिन भर में आपने कितने प्लान दिए, तो वो क्या बोलते हैं कि सर एक प्लान हुआ, सर दो प्लान हुआ। तो अल्टीमेटली एक और दो प्लान क्यों हो पाया, क्योंकि आपके पास में अगले दिन की प्लानिंग नहीं है कि जब आप सुबह उठेंगे तो आपको जाना कहाँ है। आपका एक रूटीन होना चाहिए डेली। एक सक्सेसफुल आदमी वो आदमी होता है जिसके पास में डेली अपना एक रूटीन होता है कि मुझे क्या करना है, नेक्स्ट डे जब मैं सुबह उठूंगा तो मुझे क्या करना है। आपको यह तय करना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल। अगर सक्सेसफुल अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको अपना एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि सुबह उठने के बाद आपको क्या करना है, 6 बजे कहां जाएंगे, 7 बजे कहां जाएंगे, 8 बजे कहां जाएंगे, 9 बजे कहां जाएंगे, 10 बजे कहां जाएंगे। रात के 12 बजे तक का आपके पास में शेड्यूल होना चाहिए। फुल टाइम जो काम कर रहा है ना व्यक्ति सेफ शॉप में,
डेली कम से कम उस व्यक्ति को 5 प्लान जरूर करना चाहिए, कम से कम 5 प्लान। बाकी इसके अलावा कितने भी फॉलोअप करो, कितना भी एफआईएम करो, कितनी भी ग्रुप मीटिंग करो, वो एक अलग बात है, लेकिन डेली 5 प्लान आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको अगर मैं बताऊं कि जब मैंने बिजनेस मैंने शुरुआत किया था, दूसरी शुरुआत जब मैंने की थी आज से 9.5 साल पहले समस्तीपुर बिहार से, मुझे याद भी याद है कि जब मैं उस शहर में जब मैं गया था काम करने के लिए, तो दोस्तों अपने लिए मैंने एक गोल तैयार किया था कि मैं डेली 5 आदमी को प्लान दूंगा, डेली 5 आदमी को प्लान दूंगा। और मैंने तय कर रखा था सुबह मैं 5 बजे उठता था, 6 बजे मोटरसाइकिल निकालकर फील्ड में निकल जाता था, और मैं अकेला वहां रहता था, खुद ही खाना बनाता था और खुद ही खाता भी था। मेरा सुबह फील्ड से लौटने का कोई टाइम नहीं था, कभी मैं 10 बजे लौटता था, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3, और कभी कभी 4 भी बजता था। मैं वापस लौटता था, खाना बनाता था और खाना खा के फिर दोबारा से मैं वापस फील्ड में चला जाता था। सुबह का खाना मुझे नहीं मालूम था कितने बजे खाऊंगा, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जितने बजे फील्ड से फ्री हुआ वापस लौटा, खाना खा के फिर वापस फील्ड में चला जाता था। लेकिन रात का खाना खाने के लिए दोस्तों मैंने अपने लिए कंडीशन तय कर रखी थी, रात का खाना मैं उसी दिन खाता था जिस दिन मेरे 5 प्लान पूरे होते थे। मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर रखा था कि जिस दिन मैं 5 प्लान नहीं बताऊंगा उस रात को मैं खाना नहीं खाऊंगा। और ये सिर्फ मैं कहने के लिए आज नहीं बता रहा हूं, मेरे ढेर सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने शुरुआत में मेरे साथ काम किया है, उनको जानते हैं कि जिस रात मैं 5 प्लान नहीं बता पाता था उस रात को मैं खाना नहीं खाता था। और जब रात को 11 बजता था, 11:30 बजता था, और अब जरा सोचो कोई व्यक्ति दिन भर भागा है, मार्केट में घूमा है, थका होगा, पसीना आया होगा, पेट भी दर्द कर रहा होगा भूख की वजह से, अब आप मुझे बताओ, मैं अकेला ही उस कमरे में रह रहा हूं, अकेला ही उस कमरे में हूं, खुद ही खाना बनाना है और खाना भी चुपचाप अगर बना के अगर मैं खा भी लूं तो कौन क्या कहने वाला है, कोई भी कुछ भी कहने वाला नहीं है ना। लेकिन उसके बावजूद मेरा कमिटमेंट क्या है कि खाना नहीं खाना है। और रात को 11:30 बजे, 12 बजे मैं अपनी टीम के लोगों को फोन करता था और उनको फोन करके पूछता था कि और अविनाश जी क्या हाल है। अविनाश जी कहते थे सर बहुत बढ़िया हाल है। बोला अविनाश जी कल का क्या प्रोग्राम है, कल किसके पास चलना है प्लान देने के लिए, तो वो कहते थे कि सर अभी तो कोई सोचा नहीं है, अभी कल सर देखते हैं किसके पास चलना है। तो मैं उस समय अविनाश जी से कहता था कि अविनाश जी ऐसे काम नहीं चलेगा। बोला अविनाश जी कुछ भी हो कल मुझे आपका एक व्यक्ति का प्लान देना है, ऐसे अगर हम काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा। अविनाश जी हर हाल में इस सप्ताह में आपका 1,000 रुपए का चेक निकलवाना है, कुछ भी करके 1,000 का चेक बनाना है। और अविनाश जी मुझको पता नहीं, कल मुझे आपका एक व्यक्ति का प्लान देना है, आप मुझे बताओ कल किसके पास आप मुझे लेके जाओगे। और ऐसा रात को सोने से पहले 10 से 12 लोगों को मैं फोन करता था और ऐसी बातें मैं उनसे करता था। अगर किसी व्यक्ति ने अगर मुझे फोन करके जवाब नहीं दिया तो फिर से मैं 10 मिनट बाद उनको फोन करता था कि हाँ अविनाश जी बताया नहीं कल कहाँ लेकर चल रहे हो। अरे सर मैं तो भूल गया था, वो स्टेशन पर ट्रेन पास कर रही थी तो उनको लाइन दे रहा था, सिग्नल दे रहा था, अभी भी मैं फोन करता हूँ सर। अब मुझे बताओ मेरा फोन दोबारा कटा तो सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, किसी ना किसी को फोन करेगा, किसी ना किसी से बात करेगा, समय सेट करेगा। अब आप मुझे बताओ सोने से पहले अगर मैं 10 से 12 लोगों को फोन कर रहा हूं और उनसे मैं बोल रहा हूं कि कल मुझे आपका प्लान देना है, कल मुझे आपका प्लान देना है, अब 10 से 12 लोगों को अगर मैं फोन करूंगा तो क्या लगता है अगले दिन के लिए मुझे 5 से 6 लोगों को प्लान देने के लिए मुझे टाइम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और डेफिनेटली मुझे नेक्स्ट डे 5 से 6 लोगों का प्लान देने के लिए मुझे मिल जाता था। अब आप मुझे ईमानदारी से बताओ क्या मुझे अविनाश जी के 1,000 रुपए के चेक की चिंता थी क्या? सच कहूं ना, नहीं, मुझे अविनाश जी के 1,000 रुपए के चेक की चिंता नहीं थी। मुझे चिंता सिर्फ इस बात की थी कि आज मैं भूखा सोया हूं, कल मुझे भूखा किसी भी कीमत पर नहीं सोना है। सिर्फ कल के खाने का इंतजाम कर रहा था, 5 से 6 लोगों का प्लान मुझे देना है, सिर्फ कल के खाने का इंतजाम कर रहा था। जब मैं लोगों को प्लान देने के लिए जाता था तो इस बात की परवाह नहीं करता था कि लोग मुझ पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, या मुझे हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, मुझे मतलब नहीं था। मुझे मतलब सिर्फ किस बात से था, मुझे प्लान देना है, और प्लान देने के बाद लगातार मैं लोगों का फॉलोअप करता था। अब जरा मुझे सोच के बताओ, अगर कोई भी व्यक्ति डेली अगर 5 प्लान अगर बता रहा है, कोई फुल टाइमर अगर काम कर रहा है और डेली 5 आदमी को प्लान बता रहा है, तो महीने में कितने दिन हो गए? 30 दिन। 30 दिन अगर 5 आदमी का रोज प्लान, तो महीने में 150 प्लान। अब 150 प्लान अगर कोई आदमी अगर करता है और 150 प्लान करने के बाद लगातार उनका अगर कोई व्यक्ति फॉलोअप अगर बराबर टाइम से अगर करे, तो क्या लगता है मेरे यार, 150 आदमी का प्लान देने के बाद लगातार फॉलोअप करो तो क्या लगता है 15-20 लोग भी उसमें से नहीं जुड़ेंगे क्या? डेफिनेटली जुड़ते हैं, और मेरे साथ जुड़ते हैं। तो बिलीव कीजिए, जिस दिन से मेरा पहला चेक बना है उस दिन से लेकर आज तक की मेरी लाइफ में ऐसा कोई सप्ताह नहीं गुजरा है जिस सप्ताह मेरा चेक नहीं बना। वजह, फील्ड में कोई काम करे ना करे, मैं फील्ड में काम करने के लिए तैयार हूं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी टीम को क्या सिखाते हैं। अगर आप अपनी टीम को सिखाते हैं कि सुबह से लेकर रात तक काम करना चाहिए, तो लोगों को सिखाने से पहले आपको सुबह से लेकर रात तक फील्ड में रहना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम डेली 5 प्लान फील्ड में रहकर करे, आपको करना पड़ेगा। मैं अपने पास में शुरुआत में एक पॉकेट डायरी रखता था, सुबह 6 बजे कहां जाना है मेरा टाइम सेट,
7 बजे कहाँ जाना है मेरा टाइम सेट, 8 बजे कहाँ जाना है मेरा टाइम सेट, 9 बजे कहाँ जाना है मेरा टाइम सेट। मेरा पूरा टाइम शेड्यूल मेरे एक पॉकेट डायरी में रहता था और बराबर उस पॉकेट डायरी से लेकर सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक अपने अपॉइंटमेंट को मैं फिक्स करके रखता था। अगर सेम डे मेरी टीम से अगर किसी व्यक्ति ने अगर समय मांगा कि सर प्लान देना है या फॉलोअप करना है, मेरे पास समय नहीं होता था मेरे यार, मैं ज्यादा नहीं कहता, कम से कम एक दिन का रूटीन बनाकर तो काम करने की शुरुआत करो। क्योंकि सक्सेसफुल लीडर वही होता है जिसके पास अपना रूटीन होता है, काम करने का एक पर्टिकुलर एक रूटीन होता है। अगर आपके पास आपका रूटीन नहीं है तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, आपके पास कभी कभी रिजल्ट आएगा और कभी रिजल्ट नहीं आएगा, आपका कभी चेक बनेगा कभी नहीं बनेगा। लेकिन प्रॉपर एक रूटीन के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका हर वीक चेक बनेगा और हर वीक बढ़ते हुए क्रम में आपका चेक बनेगा, हर वीक बढ़ते हुए क्रम में आपका चेक बनेगा। तो नेटवर्क बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये चार चीजें हैं, ये चार चीजें जो आपने हर फ्राइडे की ट्रेनिंग में आपने सुना है, हर मीटिंग में सुना है, हर ग्रुप मीटिंग में सुना है, आपके अप्लाई ने भी बताया है, मैं भी वही बता रहा हूं। यही तरीका है टीम बनाने का, यही तरीका है टीम बनाने का, यही तरीका है टीम बनाने का और यही तरीका है टीम बनाने का, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है ही नहीं। आपको FIM करना पड़ेगा, लिस्ट बनाना सीखना पड़ेगा, फॉलोअप प्लान देना पड़ेगा, फॉलोअप करना पड़ेगा, ये आपको आजमाने पड़ेंगे। और नेटवर्क को टिकाना, नेटवर्क को रोकना भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप नेटवर्क बनाते चले गए, लेकिन अगर आप उस नेटवर्क को अगर आप रोकने में कामयाब नहीं हो पाए, अगर आप उस नेटवर्क को संभालने में कामयाब नहीं हो पाए, तो नेटवर्क बनाने से भी आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। टीम बनाने के साथ साथ वो टीम आपके पास में रुकेगी कैसे, वो टीम आपको फॉलो करेगी कैसे, वो टीम काम करेगी कैसे, उसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। देखिए आपकी टीम में जो लोग जुड़ रहे हैं ना, आप उनसे डंडे के जोर पे काम नहीं करवा सकते। आप उनको ये नहीं कह सकते कि देखो भाई अगर आपने दिन भर में अगर आपने 5 प्लान अगर नहीं दिया ना, तो देखो आपको हम नौकरी से निकलवा देंगे, आपकी हम तनख्वाह कम करवा देंगे, आपको हम यहां से आपको इस कंपनी से हम एकदम आपकी आईडी बंद करवा देंगे, ऐसा आप नहीं कह सकते। नौकरी में एक आदमी बॉस के डर की वजह से काम करता है, बॉस का डर आदमी से काम करवाता है, और कोई भी कारोबारी आदमी अपने व्यापार में लॉस की वजह से काम करता है कि उसका लॉस ना हो जाए, इस वजह से उस दुकान पे बैठता है। इस बिजनेस के भीतर कोई भी आदमी को अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बात को फॉलो करे, तो आप उसे डंडे के जोर पे काम नहीं करवा सकते, आप उसे धमका नहीं सकते, आप उसे डरा नहीं सकते। जब तक किसी का मन भीतर से नहीं करेगा कि मुझे सेप शॉप बिजनेस करना चाहिए, उसका मन भीतर से नहीं करेगा, तब तक वो सुबह 6 बजे किसी का प्लान देने नहीं जाएगा, रात को 11:30 बजे किसी का फॉलोअप नहीं करेगा, 11:30 बजे फॉलोअप वही करेगा जिसका भीतर से जिसकी इच्छा शक्ति है कि मुझे डायमंड बनना है, मुझे लाइफ में कुछ करना है। सुबह 6 बजे प्लान देने के लिए वही निकलेगा जिसके भीतर के इंटेंशन पावर बहुत ताकतवर है, जो भीतर से जिसके दिमाग में है कि मुझे डायमंड बनना है। और आपको क्या लगता है सिर्फ आपके समझाने से सामने वाले व्यक्ति को सब कुछ समझ में आ जाएगा? नहीं। नेटवर्क अगर आप टिकाना चाहते हैं ना, आप चाहते हैं कि आपकी टीम में जो लोग जुड़ रहे हैं वो आपकी टीम में जिंदा रहें, आपकी टीम में सर्वाइव करें और बहुत बड़ा काम वो करके दिखाएं, इसके लिए जरूरी क्या है, आप अपनी ताकत का इस्तेमाल मत कीजिए, खुद से लोगों को समझाने की कोशिश मत कीजिए। मेरे साथ मेरे साथी थे जब मैं बिहार काम करने गया था, अविनाश कुमार स्टेशन मास्टर थे, अच्छी आमदनी थी, समाज में भी अच्छा रुतबा था। अब आप मुझे बताइए, मैं जब उनके पास पहली बार काम करने के लिए गया तो मेरी उम्र उनके बच्चों की उम्र के बराबर थी, उम्र में भी बहुत छोटा था। जो समाज में अगर बात करो तो लोग समाज में उनको उनके नाम से जानते थे और समाज में लोग मुझे मेरे पिताजी के नाम से जानते थे, मतलब मेरी पहचान तो खुद की भी नहीं थे, मेरे पिताजी के नाम की वजह से लोग मुझे जानते थे कि फलाने सिंह का बेटा है, मुझे लोग मेरे नाम से भी नहीं जानते थे। भाई अच्छी आमदनी थी, स्टेशन मास्टर थे, नौकरी अच्छी थी और मैं कुछ भी नहीं कमाता था, बेरोजगार। तो आप मुझे बताओ, फाइनेंशियल स्टेटस मेरा जीरो, सोशल स्टेटस मेरा जीरो और लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं, और वो फुली एक्सपीरियंस वाले आदमी, तो मैं उस व्यक्ति से क्या बात करके मैं उनको प्रभावित करता, क्या कहकर उनको कहता कि आप बिजनेस करो, बहुत बड़ा धंधा है, वो मेरी बात क्यों फॉलो करें? अगर आप लोगों को खुद से प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप फेल हो जाएंगे। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सिस्टम की ताकत का यहां फायदा लेना पड़ेगा, सिस्टम की ताकत का यहां पर फायदा लेना पड़ेगा। जो लोग आपकी टीम में जुड़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम नेटवर्क में रुके, आपकी टीम टिके, तो अपनी ताकत का यूज मत कीजिए, अपने टैलेंट का जोर मत लगाइए। जो आपकी टीम में जुड़ रहे हैं ना, उन्हें फ्राइडे की ट्रेनिंग से उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए, उन्हें संडे के सेमिनार से उनको जोड़ने की कोशिश कीजिए, उन्हें ग्रुप मीटिंग में बिठाइए, उन्हें को ट्रेनिंग में बिठाइए, उन्हें लीडर्स मीटिंग में बिठाइए, उन्हें सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में बिठाइए, उन्हें बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में बिठाइए, उन्हें डायमंड सेलिब्रेशन को अटेंड कराइए, उन्हें दिशा के वर्कशॉप को अटेंड कराइए, इन सब एक्टिविटियों से उनको गुजारिए, इन सब एक्टिविटियों में उनको अटैच कीजिए। जितना ज्यादा लोग आपकी इन एक्टिविटियों में लगातार कंसिस्टेंसी के साथ लगातार इसमें बने रहेंगे,
वही लोग आपकी टीम में जिंदा रहेंगे। आज भी अगर आप अपनी टीम में अगर देखते हैं, जैसे अगर आप कहते हैं कि सर मेरी 50 आदमी की टीम में 5 लोग काम कर रहे हैं, गौर कीजिए ये 5 लोग कौन है। ये वही 5 लोग हैं जो हर संडे के दिन सेमिनार में आपको मिलते होंगे, हर शुक्रवार के दिन ट्रेनिंग में मिलते होंगे, जब भी आप ग्रुप मीटिंग करते हैं कोई आए चाहे नहीं आए यही 5 लोग आपको उस ग्रुप मीटिंग में मिलते होंगे, जब भी कोई लीडर मीटिंग करते हैं वहां पर आपको ये मिलते हैं, जब भी कोई आपके शहर में फंक्शन प्रोग्राम होता है वो आपको वहां पर दिखते हैं, जब भी आप दिशा की बात करते हैं तो वहां पर आपको दिखते हैं, ये वही 5 लोग हैं। और बिलीव कीजिए यही 5 लोग डायमंड बनेंगे। वो 45 लोग क्यों नहीं बन पाए, क्योंकि आप उन्हें वहां तक ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए। आप अगर चाहते हैं ना कि आपकी टीम सर्वाइव करे, आपकी टीम रुके और बड़ा काम करे, तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की जगह उन्हें सिस्टम की ताकत का इस्तेमाल करना सिखाइए। अविनाश कुमार जी जब मेरे साथ शुरुआत में जब मैं काम कर रहा था तो उनको मैंने क्या किया, उन्हें मैंने डायमंड सेलिब्रेशन में अटेंड कराया। डायमंड शिप उन्होंने देखी, उनका विजन बड़ा हुआ कि भाई यहां तो जिंदगी बहुत बड़ी होती है, डायमंड तो बहुत बड़ा आदमी होता है, इतनी इतना मान सम्मान आदमी को मिलता है, इतनी बड़ी दुनिया आदमी की होती है। बोला हाँ। उन्हें मैंने दिशा वर्कशॉप में अटेंड कराया। जब वो दिशा वर्कशॉप अटेंड उन्होंने किया, डायमंड सेलिब्रेशन उन्होंने अटेंड किया, तो एक बात बताओ, आदमी जब डायमंड सेलिब्रेशन अटेंड करता है तो आदमी मोटिवेट हो जाता है, आदमी को कारण मिल जाता है कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, डायमंड बनना है। और जब आदमी दिशा अटेंड करता है तो बहुत बड़ा आदमी को विजन मिलता है कि आने वाले कल में यहां से कितनी बड़ी दुनिया बन जाती है। और जब ये सब चीज उनको मिली, डायमंड शिप देखा, मोटिवेट हुए, दिशा अटेंड किया, लाइफ में कुछ बड़ा करने का विजन मिला, अब आप मुझे बताओ वो डायमंड बनना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, डायमंड शिप देखा उन्होंने, दिशा देखा, अब वो डायमंड बनने के लिए तैयार है कि मुझे डायमंड बनना है। अब समस्तीपुर शहर में उन्हें डायमंड कौन बना सकता है? मैं, क्योंकि वहां ये बिजनेस करना सिर्फ मैं ही जानता हूं। वो व्यक्ति जिनके सामने मैं उनके बच्चे की उम्र का था, वो व्यक्ति जो मेरी बात को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सिस्टम में जब मैंने उनको सिस्टम की एक्टिविटी में मैंने शामिल किया तो उनके दिमाग में क्या आया कि मुझे डायमंड बनना है। सामने वाला व्यक्ति डायमंड बनने के लिए तैयार हो गया कि मुझे डायमंड बनना है, लेकिन डायमंड कौन बना सकता है? तो शहर में सिर्फ एक ही व्यक्ति है, मैं। अब वो व्यक्ति मुझे फॉलो करेंगे ना, मेरी बात को मानेंगे ना, मेरी उम्र छोटी है उसके बावजूद वो डायमंड बनना चाहते हैं तो मेरी बात को फॉलो करेंगे। आप भी अगर चाहते हैं कि आपकी टीम में लोग आपको फॉलो करें, लोग आपकी बात को माने, तो जरूरी क्या है, सबसे पहले उन्हें डायमंड बनना चाहते हैं वो चाहत को ताकतवर बनाइए। और डायमंड बनने की चाहत उनकी ताकतवर कब बनेगी? जब सिस्टम की हर एक्टिविटी में आप उनको शामिल करके रखेंगे। सिस्टम की एक्टिविटी में जितने ज्यादा लोग आपके शामिल रहेंगे उतना उनकी भीतर की ताकत उनसे कहेगी कि हाँ मुझे डायमंड बनना है, मैं डायमंड बन सकता हूं। और जब भीतर की आवाज उनसे कहेगी कि मैं डायमंड बन सकता हूं, तो बिलीव कीजिए डायमंड बनाने के लिए तो उस समय आप ही उनके पास में होंगे, आप जो कहेंगे आपकी हर बात को फॉलो करेंगे। लेकिन आप घर बैठ के उनको समझाने की कोशिश करेंगे, मालूम पड़ा डायमंड सेलिब्रेशन हो रहा है, आप डायमंड सेलिब्रेशन में लोगों को ले जाने की जगह आप घर बैठ के उनको समझा रहे हो कि देखो डायमंड आप कैसे बनोगे। दिशा का वर्कशॉप चल रहा है, आप दिशा में लोगों को ले जाने की जगह आप घर बैठ के समझा रहे हो देखो डायमंड आप कैसे बनोगे। आपके शहर में फंक्शन हो रहा है, आप फंक्शन में लोगों को बिठाने की जगह आप उन्हें घर बैठ के खुद समझाने की कोशिश कर रहे हो कि आप डायमंड कैसे बनेंगे, वो कभी नहीं समझेगा। अगर आपके समझने से अगर वो व्यक्ति समझ जाता ना, तो फिर तो वो व्यक्ति आपको फॉलो करता, आपके समझने से नहीं समझेगा। हर व्यक्ति को थर्ड पार्टी चाहिए होता है, और सिस्टम की जो एक्टिविटीयां हैं ये थर्ड पार्टी का काम करती हैं। आपको नहीं मालूम वो किस फंक्शन में आएगा, किस मीटिंग को अटेंड करेगा, किस व्यक्ति को देखने के बाद वो किसको देखकर प्रभावित हो जाएगा और वो ये बिजनेस को करने का बहुत बड़ा डिसीजन ले लेगा। आपको नहीं पता, थर्ड पार्टी की जरूरत पड़ती है। तो थर्ड पार्टी करने के लिए सिस्टम की इन सारी एक्टिविटी अपने लोगों को शामिल करके रखिए। नेटवर्क अगर बनाने के बाद अगर नेटवर्क अगर टिकाना है तो सिस्टम की एक्टिविटी में जितनी ज्यादा टीम को आप इन्वॉल्व करके रखेंगे उतनी ज्यादा टीम आपकी सर्वाइव करेगी, उतनी ज्यादा टीम आपकी रुकेगी। तो नेटवर्क को रोकना बहुत जरूरी है। और तीसरा जो काम करना जरूरी होता है, नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करना। यहां देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना। सिर्फ डुप्लीकेशन करवाना नहीं, दो तरह के डुप्लीकेशन होते हैं, एक होता है राइट डुप्लीकेशन और दूसरा होता है रॉन्ग डुप्लीकेशन। आपको यह तय करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोगों को सही चीज नहीं बताएंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर आपने लोगों को अगर नहीं बताया कि क्या करना चाहिए, तो लोग क्या करना शुरू कर देंगे, गलत करना शुरू कर देंगे। अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी टीम हर चीज सही करे, तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको हर चीज को सही करना पड़ेगा। अगर आप गलती से गलत करेंगे ना, तो आपकी टीम जाने अनजाने में आपको फॉलो कर रही है, आप गलतियां करते चले जाएंगे और आपकी टीम धीरे 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 आपको कॉपी करना शुरू कर देगी, आपको कॉपी करना शुरू कर देगी। और आप क्या चाहते हैं कि आपकी टीम क्या करे, आपको कॉपी करे? तो आपको जाने अनजाने में भी गलती करने से बचना पड़ेगा। वो चीजें कीजिए जो आप चाहते हैं कि आपकी टीम करे, जो आप कहेंगे वही करेंगे, तो लोग तेजी से आपकी बात को डुप्लीकेट करेंगे।
आपके द्वारा सिर्फ कहा जाए और उसे किया ना जाए तो लोग उसे डुप्लीकेट नहीं करते हैं, बल आपके द्वारा जो गतिविधि की जाती है उसे देखकर लोग सीखते हैं, उन गतिविधियों के बारे में सुनकर नहीं सीखते हैं। तो आप चाहते हैं ना कि आपकी टीम सुबह 6 बजे फील्ड में निकले प्लान देने के लिए, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, सुबह 6 बजे खुद फील्ड में निकलकर लोगों को प्लान दिलाना दिखाना पड़ेगा। आप चाहते हैं ना कि रात को 11 बजे भी आपकी टीम फॉलोअप करे, तो आपको रात को 11 बजे फॉलोअप करना होगा। जिस व्यक्ति के साथ सुबह 6 बजे प्लान दे रहे हैं ना, लोग क्या बोलेगा, अरे सुबह 6 बजे कौन सा प्लान सुनने के लिए मिलता है। जिस व्यक्ति के साथ आप प्लान दे रहे हैं ना सुबह 6 बजे, जिस व्यक्ति के गेस्ट को प्लान दे रहे हैं, कोई सीखे ना सीखे, जिसके साथ में आप सुबह 6 बजे प्लान दे रहे हैं ना, वो जरूर सीख जाएगा सुबह 6 बजे भी प्लान होता है, क्योंकि आप उसे सिखा रहे हैं खुद करके। जो कहता ना कि रात को 11 बजे कोई फॉलोअप में नहीं मिलता है, रात को 11 बजे जिस व्यक्ति के गेस्ट का फॉलोअप करने आप जाएंगे ना, कोई सीखे ना सीखे, जिस व्यक्ति के साथ रात को 11 बजे फॉलोअप करने आप गए हैं ना, वो आपके साथ आपको 11 बजे फॉलोअप करते हुए देखकर सीखेगा कि रात के 11 बजे भी फॉलोअप होता है। आप जो चाहते हैं ना वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि आपकी टीम बराबर लोगों को प्लान दे, बराबर लोगों का फॉलोअप करे, तो वो सारी की सारी चीजों को आपको फॉलो करना होगा, वरना जाने अनजाने में आपकी टीम वो फॉलो करेगी जो आप नहीं चाहते, जो आप नहीं चाहते वो कीजिए जो आपकी टीम चाहती है। अगर गलती से भी अगर आपने गलती की तो गलतियां होनी शुरू हो जाएंगी। क्या होता है कि जैसे देखिए, एक घर के भीतर एक कोई भी बाप, चाहे वो कितना भी बड़ा दारूबाज हो, दारू पीता हो, सिगरेट पीता हो, कितना भी बड़ा ड्रिंकर हो, क्या वो आदमी कभी भी चाहता है कि उसका बच्चा दारू पिए या उसका बच्चा सिगरेट पिए? नो, बड़ा दारू पीने वाला कभी नहीं चाहता कि उसका बच्चा उसके जैसा बने, वो दारू पिए। लेकिन क्या होता है कि मान लो कोई व्यक्ति अगर अपने घर में बैठ के डेली पैक बनाता है, डेली पीता है, सिगरेट लगाता है, वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे शराब पिए, वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे सिगरेट पिए, वो नहीं चाहता कि उसके बच्चे गाली दे, लेकिन उसका स्वभाव है, बातों में गालियां निकलती हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा कि बच्चा उसी घर में रहते रहते शराब पीना शुरू कर देगा, सिगरेट पीना शुरू कर देगा, उसकी बोली भाषा में गाली शामिल हो जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि अपने पिताजी को भी क्रॉस कर सकता है। देखो, वो बाप नहीं चाहता था कि उसका बच्चा शराब पिए, वो बाप नहीं चाहता था कि उसका बच्चा सिगरेट पिए, वो बाप नहीं चाहता था कि उसका बच्चा गाली गलौज या असभ्य तरीके से लोगों से बात करे, लेकिन वो आदमी वो काम कर रहा था जो चाहता था उसका बच्चा ना करे। तो लोग, आप जो सिखाना चाहते हैं ना कि बेटा शराब मत पियो, बेटा शराब मत पियो, बेस्ट तरीका क्या है, आप शराब मत पियो। आप सिखाना चाहते हो ना कि बेटा सिगरेट मत पियो, सिगरेट मत पियो, सिखाने का एक तरीका है, कहने की जगह आप सिगरेट मत पियो। आप सिखाना चाहते हो ना कि बेटा गाली गलौज के साथ लोगों से बात नहीं करते हैं, सभ्यता से लोगों से बात करनी चाहिए, आप लोगों से सभ्यता से बात करना शुरू कर दीजिए। ये चीज है। आप जो चाहते हैं कि आपकी टीम में फॉलो हो, जाने अनजाने में भी गलत चीजें डुप्लीकेट ना हो, रॉन्ग डुप्लीकेशन आपकी टीम के भीतर ना हो, गलती से भी गलती करने से बचें, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता कि आपकी टीम में कौन आदमी आपकी हर एक एक्टिविटी को फॉलो कर रहा है। आपने अगर गलती से अगर गलती भी की ना, तो गलती से लोग उस चीज को कॉपी कर लेंगे और वो चीज आपकी टीम में डुप्लीकेट हो जाएगी। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी टीम में गलत चीजें डुप्लीकेट हो या सही चीजें डुप्लीकेट हो? सही चीज आप चाहेंगे डुप्लीकेट हो, तो आप वो कीजिए जो सिस्टम में एथिकल है, सही है, और सही चीजों को डुप्लीकेट करें, क्योंकि हमेशा डाउनलाइन अपने अपलाइन की कॉपी करता है, हमेशा। अगर आप अपने अपलाइन का फोन नहीं उठाएंगे तो आपके डाउनलाइन भी आपका फोन नहीं उठाएगी। जब भी आपके अपलाइन का फोन आए, इस बिजनेस के भीतर अपलाइन के फोन को $1 million कॉल कहा जाता है, जब भी आपके अपलाइन का फोन आए उनके फोन को जरूर उठाइए, उनसे जरूर बात कीजिए, उसमें आपका फायदा है। हो सकता है कई बार हम उनके फोन को नहीं उठा पाते हैं, कहीं एंगेज होते हैं, कहीं बिजी होते हैं, लेकिन कॉल बैक जरूर दीजिए। अगर आप अपने अपलाइन को कॉल बैक नहीं करते हैं तो बिलीव कीजिए आपकी भी टीम है, कॉल बैक वहां से भी नहीं आने वाला है। आप अगर मीटिंग सेमिनार में नहीं आएंगे तो आपकी डाउनलाइन से भी कोई मीटिंग सेमिनार में नहीं आएंगे। आप यदि बहाने बनाएंगे तो आपकी डाउनलाइन में भी लोग होंगे जो अपनी टीम में नीचे बहाने बनाना शुरू करेंगे। आप बोलेंगे कि सर मुझे बहुत जरूरी काम है, सर मुझे बुखार आ गया है, मैं इसलिए मीटिंग में नहीं आ सकता, मैं इसलिए ट्रेनिंग में नहीं आ सकता, आपकी भी डाउनलाइन है, उसे भी समझ में आ जाएगा ये जबरदस्त वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला काम करता है, आने वाले कल में वो भी फॉर्मूला आजमाएगी और वो भी क्या कहेगी आपसे, सर मुझे बुखार है, सर बहुत जरूरी काम है। मेरे यार पर्सनल लाइफ को थोड़ा साइड में कर आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, पर्सनल लाइफ को आगे हटाकर बढ़ना पड़ेगा। शुरुआत दोस्तों, जब शुरुआत मैंने दोबारा 9.5 साल पहले की थी, बिहार जब मैं गया था तो 3.5 साल डटकर मैंने वहां काम किया, होली, दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा, 30 त्योहार मैंने हटा दिए, घर परिवार में न जाने कितनी शादियां हुई,
कितने बर्थडे पार्टी हुई, मैं वहां कभी नहीं गया, क्योंकि मुझे एक बात मालूम थी कि इन शादी पार्टी में शामिल होते होते भी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ, 3-4 साल अगर नहीं भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन 3-4 साल अगर आपने ये सोशल लाइफ से अगर आप दूर अगर हटे, सिर्फ आपको एक लाइफ जीनी है, सेफ शॉप वाली लाइफ, अगर सेफ शॉप लाइफ को अगर आपने जिया ना 3.5 साल, सोशल लाइफ को दूर कर दो अपनी लाइफ से 3-4 साल, 3-4 साल अगर आपने अपनी लाइफ से सोशल लाइफ अगर दूर अगर कर ली और सिर्फ सेफ शॉप वाली लाइफ अगर आपने जिया, तो बिलीव करो आने वाले कल में उसी समाज में, जिस समाज में आपने अपनी सोशल वाली लाइफ को जिया नहीं है, उस समाज में लोग आपको सल्यूट करेंगे, अदब से आपसे बात करेंगे, झुक कर लोग आपको सलाम करेंगे। बस 3 से 4 साल सोशल लाइफ को छोड़कर सिर्फ सेफ शॉप की लाइफ को दोस्तों जीना शुरू कर दो, बहाने नहीं। क्योंकि बहाने अगर आपने बनाना शुरू कर दिए तो आपकी टीम में बहाने बनाने वाले एक से बढ़कर एक खलीफा हैं। कई बार हमको क्या लगता है कि हम अपने अपलाइन को कोई बहाना बना देते हैं और हमको लगता है कि हमने अपने अपलाइन को बेवकूफ बना दिया, हमने अपने अपलाइन को उल्लू बना दिया। रियलिटी में क्या होता है कि अपलाइन को हम बेवकूफ नहीं बनाते हैं, उल्लू नहीं बनाते हैं, अपलाइन हमसे ज्यादा समझदार है। भाई आप अपने अपलाइन को उल्लू नहीं बनाते हैं, बल्कि आप अपनी लाइफ से खिलवाड़ कर रहे हैं। अपलाइन सब समझती है कि आप जब जब उन्हें बहाना बना के देते हैं, जब जब उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, अपलाइन आपकी हर छोटी बड़ी बात को समझ जाती है। अपलाइन की लाइफ से नहीं खेल रहे हैं, आप अपनी लाइफ से खेल रहे हैं। अपनी लाइफ को लेकर सिंसियर रहिए। यह नेटवर्क इंडस्ट्री है, यहां पर हर चीज कॉपी होती है, हर चीज, हर चीज। जैसा आप करेंगे वैसा आपको मिलेगा, ये कॉपीकैट मार्केटिंग है। तो डुप्लीकेशन ये बहुत बड़ा औजार है। जितना अच्छी चीजों को आप करेंगे आपकी टीम में उतना ही अच्छी चीजें फॉलो होंगे, जितना कमिटमेंट को आप फॉलो करेंगे उतना ही कमिटमेंट आपकी टीम में फॉलो होगा। आप कंपनी के टारगेट को क्वालिफाई करेंगे, आपकी टीम में लोग टारगेट क्वालिफाई करेंगे। आप लगातार लगातार आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, लगातार आप प्रोग्रेस करेंगे। हर 3 महीने में आप अपनी रिकॉग्निशन लेवल को चेंज कर रहे हैं, हर 4 महीने में अपनी रिकॉग्निशन लेवल को चेंज कर रहे हैं। आपको देखकर आपकी टीम में इस बात का भी डुप्लीकेशन होगा, हर 3 महीने में, हर 4 महीने में लोग अपनी रिकॉग्निशन को चेंज करेंगे, लोग चेंज करेंगे। और आप अगर अपनी रिकॉग्निशन को अगर आप एक सर्टेन टाइम पर अगर नहीं बदल पा रहे हैं, देखो कोई भी लीडर, कोई भी व्यक्ति अपनी टीम में अपने अपलाइन को तभी तक फॉलो करता है जब लगातार उसका अपलाइन टाइम टू टाइम प्रोग्रेस कर रहा है। अगर आप प्रोग्रेस अगर फास्ट अगर नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे लोग आपको भी फॉलो करना कम कर देंगे। आप चाहते हैं ना कि आपकी टीम आपको फॉलो करती रहे, तो उसके लिए जरूरी क्या है, आपको अपनी प्रोग्रेस बहुत फास्ट रखनी पड़ेगी, आपको अपनी प्रोग्रेस फास्ट रखनी पड़ेगी। 3 से 4 महीने में आपको अपनी रिकॉग्निशन लेवल बदलना पड़ेगा, चाहे भले आपको पैसे की जरूरत हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रभाव आपकी टीम पे बना रहे तो आपका रिकॉग्निशन लेवल टाइम टू टाइम चेंज होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये दोस्तों बेसिक चीजें हैं, मैंने कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें मैंने आपको नहीं बताई, मैंने बहुत बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको बताई कि बेसिक ये चीजें हैं जिसको फॉलो करके कोई भी आदमी इजीली आगे बढ़ सकता है। पहला काम टीम बनाना, दूसरा काम टीम को टिकाना, और तीसरा काम नेटवर्क से सही डुप्लीकेशन करवाना। ये तीन चीजें मुझे मेरी ग्रेट अपलाइन ने मुझे सिखाई थी, सिस्टम ने मुझे बताया था, और इन्हीं 3 चीजों को मैंने फॉलो भी किया। नेटवर्क बनाया, नेटवर्क को टिकाया, और नेटवर्क को टिकाने के साथ जो मैं चाहता था कि मेरी टीम करे उसे करने से पहले मैंने उसे खुद करना शुरू किया। मैं चाहता था कि मेरी टीम ट्रेनिंग में रहे, सबसे पहले मैंने रहना शुरू किया। मैं चाहता था कि मेरी टीम हर फंक्शन में रहे, मैं रहता था। मैं चाहता था कि मेरी टीम अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी जागे, मैं उठता था। मैं चाहता था कि मेरी टीम बहुत मेहनत करे, मैं बहुत मेहनत करने के लिए तैयार था। तो टीम को कुछ भी कहने से बेहतर है करना शुरू कर दीजिए, वही मैंने करना शुरू किया। इन्हीं चीजों को करने की वजह से आज ये सक्सेस मेरी लाइफ में मुझ तक आई है, ये सक्सेस मुझ तक मेरी लाइफ में आई है। ये कुछ ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनकी वजह से मेरी दुनिया बहुत बड़ी बनी है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से ये दुनिया मेरी बहुत बड़ी बनी है। श्री माननीय श्री राजीव चतुर्वेदी सर, माननीय श्री संजय जैन सर, माननीय श्री ओम प्रकाश सर, और माननीय श्री नरसिंह ग्रेवाल सर, हमारे ग्रेट महागुरु जी। मतलब ये वो हस्तियां है ना जिन हस्तियों को मैंने सिर्फ स्टेज पे देखा है, सिर्फ मंच पे देखा है, कभी पर्सनली कभी बैठा नहीं, लेकिन मंच पे बैठे बैठे इन्हें भगवान की तरह मैंने इनको पूजा है। और स्टेज के माध्यम से जो भी बातें इनसे मैं सीखा और उन बातों को फॉलो कर दोस्तों मैं यहां तक आगे बढ़ा हूं। बहुत बड़ा रोल है इनकी लाइफ में, इनका हम मेरी लाइफ में। आज हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल सर, मतलब इनके व्यक्तित्व की बातें मैं क्या कहूं, मतलब सर का व्यक्तित्व इतना बड़ा है, आप खुद भी जानते हैं कि सर के प्रभाव में आने के बाद मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि आदमी की दुनिया ना बदले, और सर से मुलाकात करने के बाद कोई व्यक्ति प्रभावित ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत सारी लीडर्स मीटिंग, रेड क्लब मीटिंग, डायमंड मीटिंग, और बहुत सारी मीटिंग सर के माध्यम से शुरुआत से मैंने अटेंड की है, और शुरुआत से मैंने देखा है कि सर की बातों में वो जादू है, मतलब सर की बातों में वो बात है। और सर को मैंने बहुत फॉलो किया है, सर को मैंने बहुत फॉलो किया है, और आज सर की उस लीडरशिप की क्वालिटी का आज मैं कायल हूं कि जो सर ने
एक छत के नीचे इतने सारे डायमंड को एक मंच पे खड़ा करके रखा हुआ है, ये यूनिटी में बांध के रखा है। ये बहुत बड़ी ताकत जो सर ने हमें सिखाई है, बताई है। मैं बड़ा एहसानमंद हूं कि आज जो सर की इतनी बड़ी बड़ी बातें जो मिली हैं मंच के माध्यम से, जो हम लोगों ने सीखा है, उनकी बातों को मान मानकर आज हम लोगों ने अपनी दुनिया इतनी बड़ी बनाई है, जिस दुनिया के बारे में सोच नहीं सकते थे। मेरे ग्रेट अपलाइन माननीय श्री माधव सर, माननीय श्री विजयपाल सर, सर के साथ बहुत सारी मीटिंग से साथ बैठा, सुनने का मौका मिला, सर से बहुत कुछ सीखा, और आज की तारीख में सर हमें गाइड भी कर रहे हैं, लगातार उनकी गाइडलाइन में हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं। श्री शिव कुमार शर्मा सर, श्री सत्यप्रकाश सर, श्री राधेश्याम कुशवा सर, श्री अजय राजपूत सर, शुरुआती दौर में जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो बहुत सर ने हम लोगों की मदद की, बड़ा हमें सपोर्ट दिया। राकेश प्रसाद सर आज ये मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे अपलाइन हैं, मेरे साथी हैं, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह इन्होंने शुरुआत से साथ दिया, शुरुआत साथ दिया। तो आज ये सक्सेस जो मेरे पास में, ये सक्सेस अकेले मेरी मेहनत की नहीं है, बल्कि सक्सेस आज मेरे ग्रेट मेंटर्स की है। आज इन ग्रेट मेंटर्स ने मुझे सिखाया, मुझे बताया, इनकी उंगली पकड़कर मैं चला, जिसकी वजह से मैं यहां तक पहुंच पाया। तो ये लोग हैं जिनकी वजह से मुझे बहुत बड़े सपने देखने का मौका मुझे मिला, वरना शायद एक मजदूर का बच्चा कभी जिंदगी में इतने बड़े ख्वाब नहीं देख सकता था। अगर इतने बड़े ख्वाब देखने के लायक अगर बना तो ये ख्वाब दिखाने वाले ये सब महान हस्तियां थी जिन्होंने मुझे इतने बड़े ख्वाब देखना सिखाया। दोस्तों, इस मीटिंग में जाते जाते एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, आज मेरी दुनिया जहां बदली है, आज मैं जहां तक पहुंच पाया हूं, और मैं अगर अपनी लाइफ को बदलने का अगर सबसे बड़ा क्रेडिट अगर अपनी लाइफ में अगर मैं किसी को अगर देना अगर चाहता हूं तो वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मेरी ग्रेट अपलाइन, मेरे ग्रेट मेंटर माननीय श्री सत्येंद्र प्रसाद सर हैं। आज वो मेरे गुरु हैं, मेरे कोच हैं, मेरे अपलाइन हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में, सेफ शॉप बिजनेस के बारे में बताया था। आज ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे सेफ शॉप में, मुझे सेफ शॉप के प्लान को कैसे दिया जाता है, किसी को कैसे समझाते हैं, वो समझाना मुझे सिखाया था, फॉलोअप करना मुझे सिखाया था, FIM करना सिखाया था। वो हर सेफ शॉप के बेसिक से बेसिक चीजें इन्होंने शुरुआत मुझे सिखाई थी, और आज इनकी गाइडलाइन में लगातार काम करते करते आज यहां तक मैं पहुंच पाया हूं। सच कहूं कि लोग कहते हैं कि भगवान के बारे में पूछते हैं, मैं जीते जाते आज इनको अपना भगवान कहता हूं। आज ये मेरे गॉड फादर हैं, मेरे आइडियल हैं, मेरे रोल मॉडल हैं, मेरे भगवान हैं। आज मुझ जैसे एक छोटे व्यक्ति की जिंदगी अगर बदली है तो उसका सबसे बड़ा क्रेडिट और सबसे बड़ा कारण आज ये है। एक लाइन में अगर एक बात अगर मैं कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, अब तक अगर आपने इस बिजनेस के भीतर चाहे कितना भी टाइम आपने लगाया है ना, आप 6 महीने से इस बिजनेस को कर रहे हैं, साल भर से कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने सालों से आप लोग ये बिजनेस आप कर रहे हैं। मैं इतना जरूर जानता हूं इस बिजनेस के भीतर अगर आपको बहुत आगे अगर जाना है ना, बहुत आगे अगर जाना है, बहुत आगे जाना है, तो एक बात आप समझिए, ये बिजनेस आपके टैलेंट से नहीं चलेगा, ये बिजनेस आपके नॉलेज से नहीं चलेगा। सेफ शॉप बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया सिर्फ और सिर्फ अपलाइन का गेम है, नेटवर्क इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ अपलाइन का गेम है। यहां आप अपने तरीके से कितना भी आप जोर लगा लो, अपने तरीके से आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, होने वाला कुछ भी नहीं है। यहां जो रिजल्ट आपके पास में जो आएगा वो आपके अपलाइन की वजह से ही आएगा। तो सबसे बड़ा काम जो आज की तारीख में अगर आप चाहते हैं ना कि आपका काम बहुत आसान हो जाए, बहुत आसानी से आप प्रोग्रेस करें, बहुत आसानी से आप आगे बढ़े, उसके लिए अगर मैं जाते जाते अगर मैं एक कोई बहुत बड़ी अगर मैं टिप अगर मैं देना अगर आपको अगर मैं चाहूं ना तो एक टिप मैं जरूर दे सकता हूं कि सबसे पहला काम एक काम करना। आपकी अपलाइन की सीरीज में ढेर सारे आपके अपलाइन होंगे, जिस व्यक्ति ने आपको जोड़ा होगा आज हो सकता है वो भी एक्टिवली काम कर रहे होंगे और वो आपके ऊपर आपके खड़े होंगे, उनसे भी ऊपर कोई ना कोई अपलाइन होगा और उनसे भी ऊपर कोई ना कोई अपलाइन होगा और उनसे भी ऊपर कोई ना कोई अपलाइन होगा। आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में, आपकी अपलाइन के सीरीज में कई सारे आपके अपलाइन होंगे। सबसे पहला काम जो एक करना, उस अपलाइन की सीरीज में से किसी एक व्यक्ति को चुनना जिससे आपका दिल मिलता है, जिससे आपका विचार मिलता है, जिससे आपकी सोच मिलती है, जिससे मिलने के बाद आपको मुश्किल से मुश्किल काम भी आपको आसान दिखता है, जिसे मिलने के बाद, जिससे बात करने के बाद आपको जिंदगी में सफल होना आसान सा लगने लगता है, उस एक व्यक्ति को चुनना। और चुनने के बाद उस व्यक्ति को अप्लाई नहीं बल्कि उस व्यक्ति को अपना गुरु बनाना, उस व्यक्ति को अपना गुरु बनाना। उसे चुनने से पहले चाहे कितना भी आपको टाइम लेना हो, लेना, 1 दिन लगाना है, 2 दिन लगाना है, हफ्ता भर, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, जितना टाइम आपको उस व्यक्ति को चुनने में लगाने का आपको लगता है, मन करता है, सेलेक्ट करने में टाइम लगाओ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जितना टाइम आप ले सकते हो लो, लेकिन एक बार चुनने के बाद है ना, एक बार जिस अपलाइन को आपने अपना गुरु बनाया, गुरु बनाने के बाद कोई किंतु परंतु लेकिन बट इफ वाय काय को ये सब उठा के कचरे के डब्बे में फेंक देना। उसके बाद जो आपका वो गुरु आपसे कहता है उसे फॉलो करना,
उसे फॉलो करना, उसे फॉलो करना, उसे फॉलो करना। बिलीव कीजिए, बिलीव कीजिए, बिलीव कीजिए सेफ शॉप बिजनेस के भीतर क्राउन बनने का, क्राउन एम्बेसडर बनने का यही सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र है। किसी एक व्यक्ति को चुनकर आंख बंद करके सिर्फ उनको फॉलो कीजिए, आंख बंद करके उनको फॉलो कीजिए, कोई किंतु परंतु इफ बट नहीं। क्योंकि आंख बंद करके अगर आपने उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया तो बिलीव करो वही एक अपलाइन, वही एक अपलाइन आपको क्राउन एम्बेसडर तक आपको ले जा सकते हैं, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक आपको ले जा सकते हैं। बदलने की जरूरत नहीं, उन्हें सिर्फ फॉलो कीजिए, आंख बंद करके उनको फॉलो कीजिए। सक्सेस का ये सबसे बड़ा मंत्र है, सबसे बड़ा मंत्र। मैंने दोस्तों यही किया, यही किया, क्योंकि जब तक मैं समझदार बनता रहा, जब तक मैं समझदार बनता रहा 3.5 साल में सिल्वर, लेकिन समझदारी छोड़ने के बाद, जब तक समझदारी छोड़ने के बाद सिर्फ अपलाइन का हनुमान बन गया, अपलाइन ने जो बोला सिर्फ कर दिया, अपलाइन ने जो बोला सिर्फ कर दिया, क्यों करना है, इसे करने से क्या होगा, वो मेरा हेडेक नहीं, वो मेरे अपलाइन का हेडेक। आज मैं क्राउन एम्बेसडर बनने वाला हूं, आज भी अपना दिमाग नहीं लगाता, आज भी नहीं सोचता कि मुझे काम कैसे करना चाहिए। कुछ भी करने से पहले अपने अपलाइन को जरूर फोन करता हूं, उनसे बात करता हूं, और वो जब डिसीजन देते हैं तो आज मैं उनको फॉलो करता हूं। मैं सिंपल सी बात जानता हूं कि किसी व्यक्ति से पूछ लेने से अगर जिंदगी की परेशानी अगर कम हो जाती है तो जिंदगी में खामा खामी इतनी परेशानियां पाल कर रखने से क्या फायदा।